हेलो। हेलो, हाँ सर, दशरथ शर्मा दावस्ती। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सुधीर सर। हाँ सर जी, तो हमारा इस फीडबैक थोड़ा सा कम आया है, आप लोग फीडबैक में। हाँ हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। और कल सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सभी से रिक्वेस्ट है जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। एक छोटी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है सभी से कि वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फीडबैक, तो आप लोग एक बार फीडबैक पर थोड़ा सा मुझे हेल्प करें। अपनी अपनी जो रिएक्शन सेक्शन है प्लीज हमें बताएं, तो दी गुड टू अचीव आवर गोल। एक बड़ा अच्छा जरिया होता है, एक मौका मिलता है जिससे हम, और स्पेशली मैं अपने सभी इंडिविजुअल से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हम आपको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं इससे क्या बेनिफिट हुआ और हमारे क्रेन का क्या परफॉर्मेंस है, ये एक बार जरूर आप हमें बताएं। और कल मैं इसके लिए सेशन रखूं। का मौका ना दें, आप खुद बताएं, तो मैं ये सेशन कल रखूंगा। और सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना नाम, अपना सही नाम गूगल सीट में भरें, अपने अटेंडेंस सीट में, जिससे कि आपका जो हम कल ये बनाएंगे, आपका जो सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी कोई अपना नाम सही स्पेल करके लिखें। इसके पांचवे मेंटेनेंस ट्रेनिंग में, इसके थर्ड सेशन में आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं जी। स्क्रीन सही नहीं आ रहा सर। स्क्रीन सही नहीं आ रहा? नहीं सर। जी जी जी। अभी जब शेयर करेंगे तब वो आ जाएगा स्क्रीन, अभी शेयर नहीं किए हैं वो। एक डे। ओके सर। ओके जी। विनय प्रसाद जी, गुड इवनिंग।
जी, तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम इसमें लास्ट सेशन में हमने लास्ट दे रखा था कि कुछ प्रैक्टिकल सेशन हमने डीएसएल के बारे में, डीएसएल का अलाइनमेंट और ये सब रखा था, और बहुत सारे टॉपिक्स हमने सीखे हैं। इन बिटवीन भी उस टॉपिक से हम हटके जो आपकी क्वायरी थी उन सबको हमने रिजोल्व किया है। तो आज का भी सेशन उस प्रैक्टिकल बेस पर है। ब्रेक का अलाइनमेंट कैसे करेंगे, इस ब्रेक अलाइनमेंट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और इसके बारे में हम देखेंगे कि ये हम कैसे कर पाते हैं। तो आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और कल हमारा उषा मार्टिन से भी हमारे एक जुड़ेंगे जो आप लोगों का रोप का कुछ इशू, तो मैं उसको भी कोशिश करूंगा कि वो रिजोल्व कर दें। तो ये दोनों दिन नहीं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा, और आप लोग के क्वेश्चन को मैं वेलकम करूंगा। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, अपने माइक को म्यूट रखें, बात करनी हो तभी ऑन करें। बाकी दूसरे पार्टिसिपेंट हैं, उनको भी परेशानियां होती है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपने माइक को म्यूट रखें। जब आपको बोलना हो उसको अनम्यूट करें और बातें करें, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सर गुड इवनिंग, दीपक परदेसी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दीपक साहब, कैसे हैं? बस सब ठीक है सर, आप कैसे हो सर? बस बढ़िया सर, बढ़िया। बस आप लोग का सहयोग चाहिए तो मैं सर बिल्कुल सहयोग है हमारा। यही मैं आप लोगों से, बिल्कुल मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम इस रिलेशन को कंटिन्यू रखें। बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं आप लोग भी, और हमारी भी कोशिश रहेगी कि मैं जितना अच्छा करके दूं आपको, आपके लिए बढ़िया तो हो, हमारे लिए भी बढ़िया हो। कारण क्या है कि जितनी हमारी मेंटेनेंस के परेशानियां कम होगी, उतने ही हम सुखी होंगे, उतने ही आप सुखी होंगे। तो दैट इज आवर मेन मोटो, टू रिड्यूस द फॉल्ट इन योर योटी क्रेन्स, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, सो दैट वी आर ट्राइंग टू रीच आवर गोल अलोंग विथ यू ऑल पीपल। यू ऑल पीपल आर मोस्ट वेलकम। राम सिंह साहब गुड इवनिंग। सर नमस्ते। रविशंकर साहब गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मैं एक बार अपने टीममेट्स टीके शर्मा से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अटेंडेंस शीट कर दे चैट बॉक्स में। जी सर, मैं कर रहा हूं अभी। राइट जी। सेंथिल कुमार साहब, यू वांट टू से समथिंग? नमस्कार सर, मैं दुबे बोल रहा हूं। सर नमस्कार। नमस्कार, भुसावल आरओ से बोल रहा हूं सर। जी 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 सर, ठीक है सर। जी सर, बढ़िया सर। सर बीच बीच में थोड़ा सा कुछ गैप हो गया था, 15-20 मिनट का, ऐसा लिटरेचर मिल सकता है क्या सर अपन को? सर आपको सारा चीज मिलता है उसमें। हम अभी जो आज जो लिंक शेयर करेंगे या लिंक हम इसमें चैट बॉक्स में डालेंगे मीटिंग के दरमियान, तो आप टॉपिक को ओपन कर लीजिएगा, सारा पीछे कंप्लीट वीडियो को मिल जाएगा। तो ओके सर, थैंक यू सर। जी जी ओके, जो गैप वगैरह हुआ वो थोड़ा मेंटेन हो जाएगा सर। सर हम पूरा आपको देंगे, जितने आवर का हमारा सेशन चलता है पूरे 2 घंटे का वीडियो हम आपको शेयर करेंगे, आप उसमें से उसका फायदा उठाएं सर। ओके जी। मैं एक बार, मेरे पास अभी 5 मिनट और समय है, तो मैं थोड़ा सा अपने टर्म कंडीशन और आज के सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सभी का एक बार से फिर से मैं स्वागत करता हूँ। गुड इवनिंग, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल सभी को। ओके ओके जी, और रेवा के तीसरे सेशन में, फिफ्थ मेंटेनेंस वर्कशॉप के तीसरे सेशन में आप सबका स्वागत है। पीपल आर मोस्ट वेलकम ऑन द थर्ड सेशन फर्स्ट डे। तो सर थैंक यू सर, या मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, इट इज। तो मैं अब आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जैसा कि एज इट इज वी आर टॉकिंग दैट कि विल टॉक डिस्कस टुडे
that practical moment of the brake alignment, and our service engineer Bijender will be describe you all things. And if you want to ask any question, just wait to finish that session, and once he will permit you, he will allow you to, okay, please ask the question, then you please ask the question, because in between maybe that your question answer जो आपका सवाल है, क्वेश्चन आंसर है, वो उसके बीच में छिपा हो, उस सेशन के बीच में छिपा हो, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक टॉपिक जब खत्म हो जाए तब बीच में इंटरप्ट करें, और क्वेश्चन आंसर जब वो बोलें तब आप पूछें। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, प्लीज अपने माइक को म्यूट रखें। अब हम तो काफी एक दूसरे से परिचित हो चुके हैं, we are very very much cordial to each other, we know that all taste from you and us also, so please unmute your mic, keep mute your mic so that other people will not be, so we request you once again ke please keep your mic mute, switch on your video, and if anything you want to ask, you can write on chat box, you can whatever you will write in chat box, our engineer, our backend team is available, he will reply you in very well. If any special things you want to know, you ask that number, I want to talk to you, he will share that sir, number. Prashant, you can do ji. Good evening sir, I am Prashant Devre, Mumbai Division CNW sir. Good evening Prashant sir. So hum log baat kar rahe the ki kuch bhi aisi samasya ho, आप किसी से बात करना चाहते हो तो उसका आप लिखे चैट बॉक्स में लिख दें कि आई वांट टू टॉक टू मिस्टर विजेंदर, आई वांट टू टॉक विद मिस्टर अरविंद, आई वांट टू टॉक विद मिस्टर टीके, आई वांट टू टॉक विद मिस्टर सुनील, यू कैन राइट इट, ही विल कांटेक्ट यू, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अगर अलग से बात करना चाहते जी, 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 तो अब हमारे विजेंदर जी तैयार हैं, और मैं हेलो, प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लें, प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लें, हेलो जी, थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बट आप लोग थोड़ा सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे इस और मैं एक बार हमारे चैट बॉक्स में प्लीज हमारे जो रेवा के जो क्रेन्स आप यूज कर रहे हैं उसके परफॉर्मेंस के बारे में हमें कुछ लिखें। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चीज है एक बार लिखें, अच्छा है, बुरा है, परफॉर्मेंस कैसा है, किधर है, ये सारी चीजों को एक बार जरूर लिखें, इससे थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ता है, यही मेरा रिक्वेस्ट है। एंड आई एम आस्किंग कि थोड़ा सा जो हमने इतना सिखाया है तो ये एक गुरु दक्षिणा भी होगी कि आप उसके बारे में बताएं कि हमारा क्रेन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बढ़िया चल रहा है, परेशानियां आ रही है, क्या परेशानियां आ रही है, हम उसको कैसे नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हैं, जो भी चीज हो प्लीज। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी कोई आज लिखे, और कल मैं उनसे बात करूंगा इसी सेशन में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है आज का, तो मैं आज आप लोग का समय ज्यादा नहीं लूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने विजेंदर जी को, या विजेंदर सर। गुड इवनिंग सर।
या गुड इवनिंग। तो अब आप एक बार इसे स्टार्ट कीजिए, जस्ट मैं आधा सेकंड लूंगा। फीडबैक के लिए हमने एक लिंक भी आपको शेयर कर दिया है सभी को, तो उसमें जरूर फीडबैक में अपने लिंक शेयर किए हुए में कुछ भी फिल करें, जो कि आप यूजर हैं हमारे क्रेन के, तो वो हमारे लिए एक सुधरने का मौका रहता है। एंड थैंक यू वेरी मच, गुड लक फॉर दिस सेशन। एंड नाउ हैंड ओवर टू विजेंद्र सर, प्लीज आप बताएं इन्हें। थैंक यू, फिर मिलते हैं मीटिंग खत्म होने से पहले आपसे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल, आज बात करेंगे ब्रेक की सेटिंग्स के बारे में, ब्रेक का इंस्टॉलेशन और ब्रेक की सेटिंग्स। क्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेक। अगर ब्रेक लूज रहती है, मटेरियल गिरने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। अगर ब्रेक ज्यादा टाइट होती है तो मोटर के साथ पीछे से कौन कौन से इक्विपमेंट है जो खराब होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। और ब्रेक को प्रॉपर तरीके से किस तरीके से सेटिंग करनी है उनकी, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं अभी। स्क्रीन दिख पा रही है अभी? हाँ जी विजेंद्र जी, स्क्रीन दिख रही है आपकी जी। अभी जो सामने स्क्रीन पे जो एक वीडियो मैं प्ले कर रहा हूं ईएसटी ब्रेक के बारे में, ये अभी एक बार वीडियो देखिए, वीडियो के बाद मैं हर पार्ट के बारे में डिटेल वाइज बताऊंगा। ये 5 मिनट की वीडियो है, इसमें भी बताया गया है सेटिंग्स कैसे कैसे करते हैं, फिर आपको फिजिकली दिखाऊंगा मैं एक बार। तो स्टार्ट प्ले कर रहा हूं मैं। इसमें बता रहे हैं ये जो ब्रेक शू है सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है। देखिए ये वीडियो, जो वीडियो प्ले नहीं हुआ है विजेंद्र जी, वीडियो प्ले नहीं हुआ है, एक बार फिर से करें। विजेंद्र वीडियो दोबारा चालू करें। ओके जी सर, अभी प्ले हो रहा है? हाँ जी विजेंद्र जी, प्ले हो रहा है, कंटिन्यू प्लीज जी। ये ईएसटी ब्रेक यानी थ्रस्टर ब्रेक है, थ्रस्टर ब्रेक की सेटिंग्स के बारे में। अभी ये बिल्कुल लूज है और ये बंद है, पावर सप्लाई है नहीं इसमें, और ये इस कंडीशन में है जैसे लूज है अभी। और ये जो थ्रस्टर मोटर है ये भी बंद है, इसमें पावर सप्लाई नहीं है। ठीक है, अभी इसमें दिखा रहे हैं। इसकी आप सेटिंग कैसे करनी है, हमेशा ब्रेक की सेटिंग बंद कंडीशन में ही होती है। आप पावर दे रहे हो या चलती हुई क्रेन में अगर ब्रेक की सेटिंग कर रहे हो तो वो कभी सेटिंग नहीं हो पाएगी। तो आपको जब भी आप सेटिंग करनी है तो बंद क्रेन को बंद रखें और उस टाइम पे करें। देखिए इसमें ये क्या दिखाया जा रहा है, अभी पावर बंद है, मैं हाथ से टाइट कर रहा हूँ, ये लास्ट वाले स्ट्रट को हाथ से टाइट करते हुए जा रहा हूँ। पूरी सेटिंग हाथ से होनी है, मतलब स्पैनर वगैरह सिर्फ टाइट करने के लिए यूज करना है, ताकि वाइब्रेशन होने वाले टाइम पे ये लूज ना हो जाए। तो देखिए मैंने यहां से बिल्कुल टाइट किया, हल्का सा पीछे से उठा के एक राउंड घुमा देना है इसको। यहां मैं दोबारा से फिर प्ले करके दिखा रहा हूं, ये पीछे से जो हल्का सा पुश करा है, पीछे से उठा के जो एक राउंड नट का घुमाया है, यही इसकी सेटिंग है इंपॉर्टेंट। आप ज्यादा टाइट कर दोगे तो मोटर पर लोड बढ़ेगा, मोटर एम्पियर ज्यादा लेगी। कम टाइट करते हो तो मटेरियल आपका नीचे स्लिप करेगा। तो उस कंडीशन में अगर आप स्पैनर से टाइट कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप ज्यादा टाइट कर पाए हो या ज्यादा लूज है। तो उस कंडीशन के लिए आपको, जैसे मैं हाथ से ये लास्ट वाला नट पीछे से हल्का सा उठाता हूँ, ये वाला देखिए हाथ से मैंने टाइट किया है और पीछे से हल्का सा उठा के एक राउंड पूरा लिया नट का और अब मैंने छोड़ दिया। अब मैं ये लॉक कर देता हूँ उसको, ये कंप्लीट लॉक, और उसके बाद डी स्पैनर अब यूज करना है, ताकि ये वाइब्रेशन होने के बाद ये खुल ना जाए और ये सेटिंग खराब ना हो जाए आपकी। अब चलते हैं दूसरा
दूसरा पोर्शन आता है आपका ग्राउंड में, ये वाला एक नट यहां लगा हुआ है, एक नट यहां लगा हुआ है। अब बंद है, अभी क्रेन को बंद किया हुआ है, उस कंडीशन में ही हमने सबसे पहले ये रॉड टाइट किया था। अब उसके बाद नीचे ग्राउंड वाले कर ले, सबसे नीचे इनके पर्पज बताऊंगा कि इनको टाइट करना क्यों जरूरी होता है। हाथ से टाइट करने के बाद सिर्फ लॉक नट को लॉक कर दिया है, ये लॉक नट है दोनों साइडों में, इनको लॉक कर रहा हूं। सेम ऊपर चलते हैं, ये तीसरा, फर्स्ट सेटिंग, सेकंड, अब थर्ड। अब एक आती है, अब इसमें पावर देखिए, इसको स्टार्ट किया है यहां पे, ये दिखा रहे हैं हम लोग। जैसी पावर दी, पावर देने के बाद ये जो गैप आ रहा है एक इधर और इधर, वो गैप 100% दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अगर आप ये जो नीचे वाले, ये जो नट मैं दिखा रहा हूं कर्सर से, अगर एक बोल्ट आपका टाइट है और एक आपका लूज पड़ा हुआ है, जो लूज वाली पोजीशन है उधर की तरफ ये स्लाइड कर जाती है इस तरीके से, सामने की तरफ मूव कर जाती है, और उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी एक सू हमेशा ड्रम से चिपका रहता है और दूसरा सू के बीच में गैप होता है, और जब क्रेन चलती है तो एक साउंड आता है ब्रेक का, गड़ 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 इस तरीके से एक साउंड बनता है। वो इसी कारण से बनता है कि आपने जो ये नीचे वाले बोल्ट हैं इनको एक को टाइट किया हुआ और एक आपका लूज पड़ा है, तो उस कंडीशन में एक तरफ गैप आएगा और एक तरफ नहीं आएगा, वो आगे मैं इसी वीडियो में दिखा रहा हूं। अभी हमने बराबर किया तो बराबर आ रहा है दोनों तरफ गैप। यहां पर एक बार सेटिंग रिमूव करके दिखाएंगे, देखिए अब भी ये रिमूव करके दिखा रहे हैं, एक को खोल दिया एक साइड से, एक को ऐसे रहने दिया है। अब उठा दे, देखिए इधर की तरफ गैप बन गया है, ये सूट टाइट है बिल्कुल, एक तरफ पूरा गैप बना हुआ है एक बोल्ट खोलने से। अब इस कंडीशन में जब भी क्रेन चलेगी आपकी साउंड करेगी, और ब्रेक का जो एक जो लेदर है जो ये लगा हुआ था ड्रम के साथ अटैच था, ये घिसता हुआ चला जाएगा और इधर वाला सेफ बचा रहेगा हमेशा। दूसरा, जब भी क्रेन आपकी लोड उठाएगी, 10 टन की क्रेन है तो 10 टन के बाद 10 टन पे भी स्लिप करेगी, आप क्या करोगे? वैसे नॉर्मली ज्यादातर देखने को मिलता है मुझे सेटों पे कि इस वाले रॉड को टाइट करते जाते हैं, इस रॉड को टाइट करते जाते हैं और नीचे से सेटिंग नहीं करते बराबर, तो इस रॉड को या तो इस रॉड को टाइट करते हैं या इसको करते हैं, तो दोनों के रीजन अलग अलग बताऊंगा मैं। इस जब इसको टाइट कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि इसको टाइट करने से आपका लोड रुकेगा, लोड रुकता है इन चार कंडीशनों में आपको सेटिंग करनी है, पहला, दूसरा नीचे, तीसरा ये वाला, और चौथा ये स्प्रिंग का लोड। तो आगे चलते हैं, अभी एक साइड से हमने लूज किया था तो एक तरफ गैप आ गया था, अब देखिए मैंने बराबर फिर से किया है तो दोनों तरफ बराबर फिर से गैप आ रहा है, ये यहां पे जो गैप बन रहा है वो दोनों तरफ अब बराबर आ रहा है। अब तीसरी सेटिंग रिमूव करते हैं, ये ऊपर वाली सेटिंग को मैं रिमूव कर रहा हूं, ये वाला खोल दे रहा हूं, या मैं इसको टाइट ज्यादा कर दे रहा हूं, जैसे मैंने बोला था स्पैनर अगर आप यूज करते हो तो क्या दिक्कत आती है, मैं इसमें स्पैनर यूज कर रहा हूं और इसको टाइट कर दे रहा हूं। मैंने अब ये ज्यादा टाइट कर दिया है, जब भी आपके सू होते हैं, ये तो मैंने बताया था पूरा सू एक तरफ का खराब हो रहा है, लेकिन एक ही सू, अब मैंने नीचे से बराबर प्रॉपर सेटिंग की हुई थी, बट एक ये वाला बोल्ट, जो ये वाला बोल्ट था, इसको मैंने ज्यादा टाइट किया, ज्यादा टाइट करने की वजह से ये नीचे वाला हिस्सा एक सू में है, 50% अगर आपका सू खराब हो रहा है, एक सू का नीचे वाला पार्ट खराब हो रहा है, ऊपर वाला नहीं हो रहा, या ऊपर वाला हो रहा है नीचे वाला खराब नहीं हो रहा, तो वो जो खराब होता है वो इस बोल्ट की वजह से होता है, जो ये यहाँ पे सेटिंग में कर रहा हूं। अगर ये ज्यादा टाइट होगा तो नीचे वाला हिस्सा खराब हो जाएगा, अगर ये लूज होगा तो ऊपर वाला हिस्सा खराब हो जाएगा। तो जब भी आप ब्रेक की सेटिंग कर रहे हो तो बंद कंडीशन पे करें और हाथ से उतना ही टाइट करें जितना अपने हाथ से हो रहा है, डी स्पैनर का यूज नहीं करना। बात कर दे तीसरा, ये होने के बाद लास्ट मैंने सेटिंग बताई थी चौथी, ये इनको क्लैंप करने के लिए दिखा रहा है ताकि ये ब्रेक का सेटिंग एक बराबर एक प्रॉपर वे में पकड़े लोड के साथ। अब चलते हैं इस पे, इसका क्या कारण होता है, इसको क्यों यूज करते हैं,
जहां पे आपकी ब्रेक, आपने ब्रेक को पूरा तीनों ही कंडीशनों में सेम किया हुआ है, पहला दूसरा नीचे तीसरा, तीनों कंडीशन होने के बाद भी आपका जैसे ही आप पावर कमांड छोड़ते हो, उस बटन को छोड़ते हो, छोड़ने के बाद आपका लोड नीचे की तरफ स्लाइड करता है। जैसे ही लोड नीचे आता है थोड़ा बहुत, अगर 20-25-50 mm तक आ रहा है ठीक है, अगर उससे ज्यादा नीचे लोड स्लाइड कर रहा है, ज्यादा आ रहा है बार बार, तो उस इस सेटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस कंडीशन में आप इस वाली रोड को यहाँ पे ध्यान नहीं देते, इस पे ध्यान नहीं देते, तो उस कंडीशन में आप इसको टाइट कर दो, हमारा लोड स्लिप कर रहा है और ये मैन जो भेजा तो था लीक, इसको टाइट कर देना, इसको जब टाइट करते हैं ब्रेक घुमा देने लग जाते हैं। फिर से लिंक भेजता हूं, ये तो ट्रेनिंग है आपकी वही क्रेन मेंटेनेंस के ऊपर। लेदरों में धुआं निकलना स्टार्ट होता है, वो रीजन ये होता है कि लोड आपका नीचे जा रहा है, इसलिए आप इस ब्रेक इसको स्टार्ट को टाइट करते हैं, बट कंडीशन ये नहीं होती है। कंडीशन प्रॉब्लम कहाँ होती है, यहाँ पे चेन वायर तो नहीं सर, वायर रूप वायर बनाते हैं ना, चेन वाला नहीं, नहीं चेन वाला। इसमें क्या रहता है, ये स्प्रिंग होती है लोड बढ़ाने के लिए, जो आपकी थ्रस्टर मोटर खुल रही है, जब थ्रस्टर मोटर को कमांड देते हैं ये खुलती है ऊपर की तरफ, जो खुलने में पूरा कंप्लीट खुलने में और बंद होने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को कम करने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग लगाई हुई है। ये थ्रस्टर मोटर खुला, खुलने खुलता है ये अपनी पावर से, जब हम इसे पावर देते हैं, कमांड देते हैं, थ्री फेज सप्लाई जाती है 415, तो ये खुलता है। बट ये बंद होने के लिए, बंद होने के लिए मोटर में कोई ऐसी कमांड नहीं है, तो उसका बंद करने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड लगाया हुआ है। अगर आपकी क्रेन जैसे आप ऑपरेट कर रहे हो, एक बार देखते हैं, और इसकी ज्यादा भी लोड बढ़ाने से क्या प्रॉब्लम होती है वो भी बताता हूं, एक मिनट देखिए। अब स्टार्टिंग में जो देख रहे थे हम, जो ये खोलने की स्पीड है, देखिए कितनी जल्दी हो रही है, खोलना और बंद होना, ये जो टाइम है उसको कम कर रहा है इस लोड से, लोड बढ़ाने से। अगर इसका लोड कम रखोगे तो ये बंद होने में टाइम लेगी। अब ये लास्ट इसमें ये ऑयल, यहां से ऑयल फिल करते हैं, थ्रस्टर ब्रेक के अंदर जो ऑयल डाला जाता है वो यहां से डालते हैं, और ये ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, यहां जो नीचे दिखा रहे हैं अब बात होती है पावर सप्लाई, कौन सी पावर सप्लाई होती है, तो इसमें थ्री फेज सप्लाई 415 वोल्ट होती है। ये सप्लाई यहां से तीनों टर्मिनलों पर हम सप्लाई देते हैं और थ्री फेज सप्लाई इसके लिए जाती है। ये वीडियो होता है क्लियर, मैं आपको फिजिकली दिखाता हूं। ये थ्रस्टर मोटर है जो अभी है आपकी सामने स्क्रीन पर दिख रही है, देख पा रहे हैं सभी? नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा सर? नहीं दिख रहा सर। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है, ठीक दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके सर, ओके, कंप्लीट नहीं दिख रहा है, नीचे तक नहीं दिख रहा है, या स्क्रीन को पूरा साफ कीजिए सर, नहीं आ रही है, स्क्रीन क्लियर कीजिए सर। नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा, अरे स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा। ये सामने थ्रस्टर मोटर है जस्ट अभी, अभी दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, बस और वो चाय करके रखिए सर, दिखाई देगा। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भैया, कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्यों नहीं दिख रहा सर? नहीं, क्या हो गया फिर?
आएगा भी तो हल्ला मचा रहे हो मतलब हल्ला ना मचा सकता देखिए अभी जब मैं टॉप में बता रहा था जैसे ये थ्रस्टर ब्रेक होता है कंप्लीट माइक को बंद ये थ्रस्टर ब्रेक के साथ फ्रेम ये मोटर होती है यहाँ पे ये जो दिख रही है आपको ये मोटर है ये स्पिनिंग लोड के लिए है और सर स्क्रीन नहीं दिख रहा सर अरविंद सर स्क्रीन आ रही है नहीं आया है सर स्क्रीन बार बार जाकर आ रही है सर आपकी चले जाती है सर नहीं दिखाई पड़ रहा इसका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है सर सर आप लोग बोलेंगे तो आपका स्क्रीन नजर आएगा आप प्लीज माइक ऑफ करिए आपको विजेंद्र नजर आएगा प्लीज सब लोग माइक ऑफ कर दीजिए अरे मैसेज कैसे करूंगा मैं सर अब दिख रहा है ना मैं चैट बॉक्स में डालिए सर आपको दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है जी यस ये थ्रस्टर ब्रेक का कंप्लीट है ये थ्रस्टर मोटर और ये फ्रेम होता है ये दो पार्ट अलग अलग होते हैं जब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ये मोटर होती है और ये फ्रेम होता है अब इसमें सेटिंग करने के लिए क्या देखते हैं जैसे मैं अभी फिजिकली बता रहा था तो फिजिकली क्या बता रहा था जैसे आप सेटिंग जब भी करते हो तो ये चार मोडों में सेटिंग होती है पहला रहता है आपका ये टॉप दूसरा रहता है आपका यहां से और तीसरा जो हम लोग करते हैं वो ये लास्ट होता है ये सेक्शन लास्ट ये वाला और चौथा है आपका लोड बढ़ाना कि लोड कितना बढ़ाना है हमें और कितनी जल्दी ये मोटर को बंद करना है ये लोड बढ़ाना है यहां से लोड इसकी कि कितनी जल्दी ये बंद होना है जैसे मैं बात कर रहा था अभी वीडियो जब दिखा रहा था तो सबसे पहले आपको जब ये बंद है क्रेन को बंद कंडीशन में ही ब्रेक की सेटिंग करनी है तो सबसे पहले ये आपके जो बोल्ट होते हैं इनको हाथ से ही करना है स्पैनर यूज नहीं करना हाथ से टाइट करने के बाद इसको हल्का सा पीछे से उठाना है और एक राउंड पूरा घुमा देना है इस नट का इस तरीके से ये बिल्कुल कंप्लीट होने के बाद अभी यहाँ ड्रम होगा तब ये टाइट रहता है ये करने के बाद फिर ये करना है आपको जैसे मैंने अभी वीडियो में बताया था आपको तो इसमें क्या देखना होता है ये बराबर जैसे हाथ से टाइट किया सेम इसको भी और यहां से लॉक कर दिया लॉक जरूर करने है क्योंकि अगर आपने लॉक नहीं किया तो ये वाइब्रेशन होने के बाद ये खुल जाते हैं नट तो सेम सेटिंग पे रखने के लिए डी स्पिनर से फिर इसको टाइट किया और लास्ट ये होते हैं नीचे ग्राउंड वाले ये डिपेंड करते हैं ये जो इस तरीके से ब्रेक हिल रहा है ये हिलने के लिए ये रोकता है इधर से टाइट किया और इधर से टाइट किया ये लॉक कर दिया अब ये हिलना बंद फ्रेम का इनको अगर किसी कंडीशन में अगर आप नहीं करते हो ये ऊपर ही ऊपर से टाइट कर देते हो और ये वाला लूज किया हुआ है मैंने ये तो ब्रेक आपका पीछे की तरफ तो नहीं जा रहा है इधर की तरफ बाकी का इधर ऐसे आ रहा है तो जैसे ये ब्रेक आएगा तो ये ड्रम पे ये वाला हिस्सा हमेशा ड्रम से टच रहेगा और एक गड़गड़ गड़गड़ की सी जो आवाज है वो आती रहेगी और ये जो शू है पूरा खराब होता रहेगा 100% ऐसे करके और ये वाला शू ऐसा की ऐसा ही बना रहेगा जब आपका एक शू खराब हो रहा हो और एक शू 100% सेफ हो तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि ये जो नीचे वाले बोल्ट है ये आपके खराब हो रहे हैं ये वाले बोल्ट या तो ये लूज है या हो सकता है इधर वाला लूज हो जैसे अब मैं ये टाइट कर देता हूँ इधर का और इधर वाला मैं लूज कर देता हूँ तो ये आपकी जब ये ब्रेक यहां से उठेगी जैसे ये ओपन होगी तो ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ चला जाएगा
जब ये यहाँ पावर आएगी तो ये वाला हिस्सा पीछे चला जाएगा और ये ब्रेक हमेशा उसे सू को टाइट पकड़े रहेगी, तो ये वाला सू खराब होगा और ये ऐसे की ऐसे बना रहेगा। दोनों ही सू अगर आपके 100% खराब मतलब टच होने तो उसके लिए ये आपको यहां से टाइट रखो इस तरीके से, हाथ से टाइट करने के बाद और ये लॉक कर देने, ये छोटे वाले बोल्ट जो है इनको लॉक कर देना है इस तरीके से। ये लॉक होने के बाद अब बात आती है, ये तो था कि पूरा सूख एक खराब हो रहा है और एक नहीं हो रहा है, अब बात आती है कि सिर्फ अब ये हमने यहां से सेटिंग कर रखी है बट हमारे सू ये भी टच कर रहा है ये भी टच कर रहा है, बट एक कंडीशन आती है कि ये नीचे वाला हिस्सा ही सिर्फ एक सू का आधा 50% ये जो हिस्सा है नीचे नीचे से खराब हो रहा है ऊपर से नहीं हो रहा। तो जैसे ये मैं छुक करता हूं, ये हाथ से मैंने टाइट किया है पूरा, ये इस तरीके से इस बोल्ट को पूरा टाइट किया हुआ है। अब ये वाला हिस्सा क्या कर रहा है आप देखिए, थोड़ा सा ऐसे और ये ही बिल्कुल प्लेन है, ये वाला हिस्सा जो नीचे वाली साइड है सिर्फ ये ही घिसती रहेगी, ये संपर्क में रहेगी ड्रम के में और यहां ओपन रहेगा गैप। ये ओपन में रहता है ये वाला हिस्सा, जब आपका 50% एक सू आधा घिस रहा है, आधा घिस रहा है और आधा सेफ है, तो आपको ये वाले जो पीछे जो ये नट लगा हुआ है ये वाला, इसकी सेटिंग में प्रॉब्लम है। ये हो सकता है आपका ज्यादा टाइट होगा तो नीचे वाला हिस्सा जाएगा और कम होगा तो ये ऊपर वाला हिस्सा जाएगा, ये वाला। जैसे अब मैं इसको लूज कर देता हूं, ये मैंने खोल दिया पूरा, अब ये नीचे की तरफ झुक चुका है, अब ये वाला हिस्सा है ये घिस जाएगा, अब नीचे वाला सेफ रहेगा, ऊपर वाला घिसता रहेगा और नीचे वाला सेफ रहेगा। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए आपको इसकी सेटिंग जरूर करनी है इस तरीके से और इसको लॉक कर देना है, ये लॉक कर देना है और स्पैनर इसको यूज करके और टाइट करना है। ताकि वाइब्रेशन में ये खुले ना। अब ये प्रॉपर हो गया, ये हमने ड्रम कर दिया, फिर ये कर दिया, ये कर दिया। इसके बाद जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जब आप लोड उठा रहे हो, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, जैसे आप लोड उठा रहे हो, लोड उठाने के बाद जैसे कमांड छोड़ते हो रोकने के लिए, वो थोड़ा सा स्लिप हो गया, नीचे आ जाता है लोड। उस कंडीशन में ज्यादातर जो देखने को मिलता है हम लोगों को भी, इस वाले इनको जो ये स्टड है, क्योंकि इनको इनके बिछने से ही ब्रेक टाइट होती है, सब भी लोग यही समझते हैं कि इसको मैं जितना टाइट करता जाऊंगा उतनी जल्दी मेरी ब्रेक जल्दी लगेगी, बट ऐसा नहीं होता। आप जब ज्यादा टाइट कर दोगे तो ये लेदर है, ये जल जाएंगे और जो ड्रम है वो हीट होके घिसना स्टार्ट कर देता है और इनमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बट आपका फिर भी लोड कुछ टाइम के लिए, जब ज्यादा टाइट कर दोगे तो धुआं निकलेगा तो ये गैप फिर बन जाएगा, फिर लोड आपका नीचे आने लगेगा। तो प्रॉपर सेटिंग करने के लिए उस टाइम पे आपको सिर्फ ये जो लास्ट फोर्थ सेटिंग है, चौथे नंबर की जो सेटिंग है वो ये है। अभी ये बिल्कुल लूज है, जब अगर लूज है तो मैंने यहां से सप्लाई दी हुई है, जैसे सप्लाई ऑन कर रहा हूं ये थ्रस्टर ऊपर खुल रहा है, खुल तो रहा है पावर से बट ये बंद होना है नॉर्मल अपने तरीके से धीरे धीरे। हो सकता है आपका धीरे धीरे जा रहा हो, जैसे ये बैठने में टाइम ले रहा है तो उसकी वजह से यहाँ ड्रम घूम जाता है, लोड आपका नीचे जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका टाइम कम करने के लिए इस पर लोड देना है आपको इस तरीके से, अब डिपेंड करना है। जैसे अब मैंने इतना टाइट किया है बस और ये मैंने लॉक कर दिया, आपको देखना क्या है इसमें इंपॉर्टेंट जो है कि आपका टाइमिंग के हिसाब से वो लोड ज्यादा स्लिप तो नहीं कर रहा अभी भी, क्योंकि आप इसका ज्यादा भी लोड नहीं दे सकते, आप ज्यादा लोड दोगे तो उसकी भी प्रॉब्लम है। एक आपने ज्यादा लोड दे दिया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो इसे मोटर को जब खुलेगा तो उस पर लोड पड़ेगा इस मोटर में, तो मोटर खराब भी हो सकता है ये। तो आप ऐसा नहीं कि आप कम इसके चक्कर में, हो सकता है आपने यहाँ लूज हो और आप सोच दे मैं कि विजेंद्र जी ने बताया था इसको ज्यादा टाइट करने से लोड स्लिप नहीं करेगा, नीचे नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में भी आपको ध्यान रखना है। और ये मैनुअली है, ऐसे नहीं कि मैंने इतना टाइट किया, हो सकता है इतने से सेटिंग हो जाए, नहीं। जैसे ही मैंने ये किया, सारी सेटिंग ये तीनों सेटिंग कंप्लीट की हुई थी, चौथी सेटिंग जब मैं कर रहा हूँ तो उस टाइम पे आपको बार बार देखना है। जैसे ही मैंने अभी ये इतना सेट किया, उठाया चला के देखा, लोड डाउन
पहले आपका 100 mm हो रहा था, अब 50 mm हो रहा, चलो ठीक है। फिर थोड़ा सा लूज किया इसको और हल्का सा एक राउंड और घुमा दिया इसको इस तरीके से, और फिर लॉक कर दिया। फिर देखा अपना कि हाँ अभी 20 mm मारा या 25 mm मारा, तो ठीक है यहाँ छोड़ के और इसको लॉक कर दिया। ये कंप्लीट सेटिंग इस तरीके से। यहां से आपको ऑयल डालना है, ये जो हिस्सा है इसको खोल देते हैं। यहां से खोलने के बाद ऑयल डालना है इसके अंदर। ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो इसमें डालना है। अगर आपके पास एग्जांपल के लिए क्रेन के ऊपर गए और आपने हो सकता है नाप के नहीं लेके गए, 1 लीटर है वो 1.25 लीटर 2 लीटर रहा, तो आप जब इसमें डाल रहे हो तो ये वाला पोजीशन यहाँ होता है, इस जगह तक आप देख सकते हैं, ऊपर से दिख भी जाता है कि यहाँ तक ऑयल है आया है या नहीं आया। अगर आप ज्यादा ऑयल डालोगे जैसे ये उठेगा तो यहाँ से इस साइड से इन जगह से ऑयल बाहर निकल जाएगा, और अगर आप कम डालोगे 1/2 लीटर 1.25 लीटर अगर आपने ऑयल डाला है तो ये 100% ब्रेक नहीं खुलेगा। मतलब जिसको पूरा उठना है वह पूरा ना उठ के 50% या 75% ही उठेगा, उसकी वजह से ये ब्रेक में जो गैप खोलने के बाद जो गैप बनना था वो गैप नहीं बन पाएगा। तो आपको याद रखना है, अगर आपके पास कोई नापने के लिए या देखने के लिए नहीं है कुछ की साइड में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस जगह पे कि ऑयल यहां तक आ चुका है, जैसे आ जाता है वैसे छोड़ दो और फिर दोबारा से इसको बंद कर सकते हैं। एक्स्ट्रा अगर जब आप ऑयल डाल रहे हो और ऑयल रिप्लेस कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ये भी यहाँ ड्रेन प्लग होता है ये वाला, ये नीचे लगा हुआ है इस जगह पे, आप इसे खोल के और खराब ऑयल को निकाल सकते हैं वापस। इससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन सर? सर प्लीज रिपीट वंस अगेन। जी दोबारा से फिर बताना है सर, प्लीज रिपीट। जी जी हेलो सर, मिनिमम अपन हम लोग कितना ऑयल डाल सकते हैं इसमें? 1.25 लीटर ऑयल डालता है सर। 1.25 लीटर, ओके थैंक यू सर। 1.25, ओके ओके थैंक यू सर। नॉर्मली कितने दिन के बाद ऑयल रिप्लेस करना चाहिए? जी इतने दिनों के बाद ऑयल रिप्लेस करना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें क्या रहता है, जब आप ऑयल को कब चेंज करना है, देखिए दो कंडीशन है उसमें ऑयल चेंज होता है। एक कंडीशन तो ऐसी है जैसे आउटडोर में लगी हुई है क्रेन, जो ये थ्रस्टर ब्रेक दिखा रहा हूं मैं, ये इनडोर का यानी बाहर अंदर जो शेडों में जो क्रेन लगी हुई है ये वहां पे यूज होता है। एक और मैं थ्रस्टर ब्रेक दिखाऊंगा अभी इसके जस्ट बाद, वो आउटडोर और इनडोर दोनों में ही यूज कर सकते। इसको आउटडोर में यूज करने से दिक्कत क्या होती है कि इसके अंदर पानी चला जाता है, यहां से जैसे कैनोपी वगैरह बनाई हुई है आपने, कैनोपी बनाने के बाद भी थोड़ा बहुत अगर धीरे धीरे कहीं से बूंद बूंद करके अगर पानी चला जाता है तो यहाँ अंदर पानी जाने के वजह से ये ऑयल में पानी मिलने की वजह से ये खुल नहीं पाती है, ब्रेक खराब होने या चिपक जाएंगे उसकी कॉइल है। तो एक तो पानी जाते ही ऑयल खराब है, तो एक तो वो कंडीशन होती है। दूसरा अगर आपको ऑयल चेंज करना है तो इसमें 6 महीने के बाद या एक और है शायद 1 साल के बाद भी है शायद। अरविंद सर डिस्प्ले बताओगे? गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। जी बोलिए। हेलो गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी सर जो आप हम बात कर रहे थे ऑयल के रिप्लेसमेंट की, तो ऑयल की रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं हमारे पर्टिकुलर एप्लीकेशन हमारे वर्किंग आवर्स पे डिपेंड करती है। वर्किंग आवर्स हमारे ज़्यादा हैं तो ये फ्रीक्वेंसी छोटी रखनी पड़ती है, यदि वर्किंग आवर्स कम है तो हम एक लंबे टाइम के बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं। हावेवर इनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उनकी क्लास ऑफ ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन मैनुअल मेंटेनेंस मैनुअल में इंडिकेट करके रखते हैं हम लोग। तो हम इनिशियली रिकमेंड करेंगे कि 6 मंथ्स में कर सकते हैं, उसके बाद में इसकी चूंकि इनिशियली हेलो
इनिशियली जो रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी जल्दी की होती है, उसके बाद में बेस्ड ऑन दी आवर एप्लीकेशन वो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें भी एक रैंडम चेक कर सकते हैं आप, जो इसका ऑयल है उसमें वो मडीनेस ना आ गई हो, वो थिकर ना हो गया हो, क्योंकि ये लाइटर रहता है तभी सही परफॉर्म करता है, तो इसको विजुअली भी चेक करने की जरूरत पड़ती है बीच बीच में। तो इन जनरली क्वार्टरली या सिक्स मंथ में बेस्ड ऑन दी यूज हम इसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। जी विजेंद्र जी सर, और कोई क्वेश्चन? सर चावल से आनंद राजेश बोल रहा हूँ सर, प्लीज इसको एक बार और रिपीट करें सर, बहुत बढ़िया समझाया आपने सर, प्लीज इसको वापस रिपीट करें सर। जी सर, एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है, मैं आईसीएफ से बोल रहा हूँ जी सर, सारे स्पेक्टर जितना स्प्रिंग टाइट करना है, जितना स्टैंडर्ड जितना है टाइट करते हुए भी एक प्रॉब्लम और देखा गया है, वो सप्लाई का प्रॉब्लम है। अब एक बार मेरे साथ में ऐसा हुआ था, मैं टाइट कर रहा हूँ लेकिन क्रेन रुकता नहीं है, बाद में मालूम चला कि उसमें डिले का प्रॉब्लम है, मतलब मोटर और आपका ये, क्योंकि आजकल थ्रस्टर अभी जितना भी क्रेन्स है वो पहले तो मोटर से देता था, अब इसका सेपरेट उसको कनेक्शन दिया जा रहा है, उसको कैसे एडजस्ट किया जाए इलेक्ट्रिक सप्लाई का? तो मैं पहले रिपीट कर देता हूँ इसका, दोबारा से बता देता हूँ, और बाकी का जो आपका क्वेश्चन है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो मैं एक बार दोबारा से स्टार्ट करके फिर बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सी सेटिंग करनी है, और जो आपका क्वेश्चन है वो लास्ट में फिर बताता हूँ। तो जैसे अभी मैं बता रहा था, स्टार्टिंग करता हूँ, जब भी आप थ्रस्टर ब्रेक लगा रहे हो या आपके यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है और आपका लोड स्लिप कर रहा है, तो पहले नंबर सबसे पहले लोड आपका बहुत ज्यादा स्लिप कर रहा है ब्रेक आपकी, या फिर ज्यादा हीट हो रही है, तो ये रहता है आपका, यहां से अब ये मैंने पूरी सेटिंग खोल दे रहा हूं, पहले जो अभी की थी, सबसे पहले जब आपका लोड स्लिप कर रहा है, नीचे जाता है बार बार, या फिर ज्यादा हीट हो रहा है, ड्रम ज्यादा ब्रेक टाइट है, तो एक तो आपको जब भी ब्रेक सेटिंग करनी है तो ये बंद रखना है, क्रैन को चलाना नहीं है, थ्रस्टर मोटर खुला नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद कंडीशन में ही ब्रेक की सेटिंग प्रॉपर होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी ये बंद है, ये खुल नहीं रहा है थ्रस्टर, तो ये बंद है, तो बंद कंडीशन में क्या है, आपको सबसे पहले आपको ये हाथ से ये वाला जो बोल्ट होता है इसको लूज कर लेते हैं यहां से, और इस तरीके इस कंडीशन में खुला हुआ है। अब मैं यहां से हाथ से इसे टाइट करते हुए जा रहा हूं इस तरीके से, जब मेरे हाथ से ये पूरा टाइट होने लगा, अब ये आगे नहीं जा रहा है, तो इसको पीछे से हल्का सा उठाना है, बंद ही रखनी है क्रेन को, क्रेन नहीं चलानी है, बट हाथ से ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे उठाओगे, हल्का सा फोर्स लगाओगे तो ये हल्का सा उठेगा, तो ये एक राउंड और घुमाना है नट को, पूरा एक कंप्लीट एक राउंड घुमाना है। जैसे आप एक राउंड घुमाओगे तो ये फिक्स सेटिंग हो जाएगी उसकी, चाहे आपकी 50 टन की क्रेन है या 5 टन की क्रेन है, सेम प्रोसेस है सबका, डिपेंड करता है इस शू के साइज पे, जैसे जैसे क्रेने बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती जाती है, ये शू का साइज और ड्रम का साइज बढ़ता जाता है, बट सबकी सेटिंग सेम होगी कि सिर्फ एक राउंड ही घुमाना है आपको नट का। जैसे ही आपने एक राउंड घुमाया, घुमाने के बाद इसको लास्ट नट को लॉक कर देना है, और वाइब्रेशन के बाद ये खुले ना, तो इसको बिल्कुल टाइट करना है इस कंडीशन में दोनों को, पहली फर्स्ट सेटिंग। सेकंड आते हैं हम लोग यहां पे, ये इस तरीके से लूज है या किसी से कोई टाइट है, जब ये टाइट होता है तो उसके बाद हम इनको करते हैं इस तरीके से, हाथ से करना है ये भी, और करने के बाद इसको लॉक कर देना है पीछे से। तीसरा आता है यहां से, इस तरीके से जी, ये मैंने अभी लूज किए हुए, ये ऐसे फ्रेम हिलता रहेगा,
जब क्रेन आपकी चलेगी तो वाइब्रेशन की आवाज आती है गड़गड़गड़ की, तो उसका एक ही रीजन होता है, ये वाला पोर्शन आपका ड्रम को टच कर रहा है और ये वाला आपका बिल्कुल गैप दे रहा है इस साइड में, यहाँ पे बिल्कुल टच होके चल रहा है और ये वाला गैप दे रहा है, तो वो तीसरी जो सेटिंग होती है वो ये वाली होती है। अगर ये प्रॉब्लम जब आती है तो ये वाली सेटिंग होती है। अब मैं इसको टाइट कर रहा हूं, हाथ से टाइट करना है इस तरीके से और लॉक कर यार। सेम मैंने ये जितना मेरे से हाथ से हुआ था उतना करना है। अगर बाय द वे मैं स्पिनर यूज कर लेता हूं पहले तो मुझे अंदाजी नहीं पड़ेगा ये वाला ज्यादा टाइट तो नहीं होगा, क्योंकि यहां तो ड्रम फंसा हुआ है, ड्रम में आप देख भी नहीं पा रहे हो, ये कहीं बिल्कुल एमएमओ काम करता है। तो आपको ये हाथ से आप फोर्स से पता चल जाएगी कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो, और फिर ये लॉक कर देना लास्ट वाले ने इस तरीके से। जब ये लॉक हो गए तीनों कंडीशनों में तो आपकी ब्रेक बिल्कुल सेट हो गई, कंप्लीट सेटिंग हो गई। कंप्लीट सेटिंग होने की वजह से बाद जब भी आपका ये तीनों पोर्शन होने के बाद जब भी आपकी प्रॉब्लम लोड स्लिप कर रहा है डाउन कर रहा है तो बात आती है चौथा यहाँ पे। ये सिर्फ एमएच के लिए ज्यादा डिपेंड करता है, अप एंड डाउन के लिए, क्योंकि अप डाउन में लोड आपका जहां पे आप छोड़ना चाह रहे हो वहां नहीं रुक रहा, उसे छोड़ने के बाद बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है तो वहां ये लोड बढ़ाना है। जैसे अभी ये खुला हुआ है पूरा इस तरीके से, जब हम पावर दे रहे हैं इसको पावर से खुल तो रहा है, पावर जाने के बाद एक साथ में खुल जाता है, लेकिन इसको बंद होने में टाइम लग रहा है। तो बंद होने की टाइम की वजह से यहां ब्रेकिंग की सेटिंग थी, लेकिन जब इसको बंद होना था उसी टाइम पे जब मोटर बंद हो रही है उसी टाइम पे इसको पकड़ना था, उस टाइम से क्योंकि ये आराम से बंद हो रहा है मोटर उल्टा घूम जाती है, रिवर्स घूम जाती है, डाउन चली जाती है, तो उस कंडीशन में आपको ये वाला लोड बढ़ाना है यहां से, ताकि जब यहां से लोड बढ़ेगा स्प्रिंग का तो ये जल्दी बंद होगा। फिर अब मैंने एक बार इतना टाइट किया, सभी में आप देख करके टाइट कर सकते हो, बट ये वाला जो पोर्शन होता है इसको आपको दो तीन बार में चेक करना है। जैसे लिमिट स्विच की सेटिंग मैंने बताई थी, तो एक बार लिमिट स्विच सेट कर लिया, टाइट करने के बाद फिर आप लेके गए, फिर डाउन किया, फिर चेक किया कि जहां हमने एक मीटर पे रखना है तो वो एक मीटर पे है या ज्यादा 1300 पे रुक रहा है या जाके 800 पे रुक रहा है। सेम वही प्रोसेसिंग यहाँ भी देखनी है आपको, एक बार फिर डाउन करके देखो जहां पे रोकना है, हो सकता है पहले 150-100 mm चल रहा था, अब वो 50 mm हुआ है नहीं हुआ है, नहीं हुआ है भाई दबे या 50 mm तक रुक रहा है तो थोड़ा सा और लोड बढ़ा दो। इस तरीके से एक राउंड और लोड बढ़ाओ और लोड बढ़ाने के बाद फिर चेक करके देखो, जब आपकी प्रोसेसिंग जहां आपको रोकना था वहां रुक जाए तो इसको लॉक कर देना, ज्यादा लोड नहीं बढ़ाना। हो सकता है आप ये वाले बोल्ट की सही से सेटिंग नहीं की हो और लोड आप ज्यादा बढ़ा दो, तो ज्यादा भी लोड नहीं बढ़ाना है इसको। अगर ज्यादा लोड बढ़ाओगे, और मैं टाइट कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, एक मिनट बताता हूँ, ये बहुत बहुत बड़ा नट स्टार्ट होता है, मैंने अभी इस तरीके से लोड बढ़ा दिया इसके ऊपर, लोड बढ़ाया है तो इसका मतलब इसी पे लोड बढ़ रहा है। अब मोटर में जब हम पावर सप्लाई दे रहे हैं ये खुलने पे बहुत ज्यादा लोड हो गया, ज्यादा लोड बढ़ने की वजह से मोटर खराब हो जाएगी, मतलब फूक सकती है, तो ये भी आपको ध्यान में रख के आपको ये टाइट करना है। ज्यादा टाइट नहीं करना कि इसकी सेटिंग हो सके आपकी यहां से खराब हो, इसको कम लूज किया हो, जो मैंने जैसे बताया था एक नट ना नंबर एक राउंड ना घुमा के उतना ही छोड़ के, और इसके लिए इससे आप लोड सेट कर रहे हो तो, और इसको टाइट करते हुए जाए तो इसको ज्यादा भी टाइट नहीं करना है, नहीं तो ये मोटर खराब हो जाएगी। बाकी का यहाँ से जो मैंने बताया था ऑयल डालना है, यहाँ अंदर से नीचे से आप ऑयल रिमूव कर सकते हो। जी कोई क्वेश्चन सर? यस सर। सर इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल की जगह पे हाइड्रोलिक ऑयल चलता है? नहीं चलता। ट्रांसफार्मर ऑयल ओनली। ओनली ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। हेलो सर, माय क्वेश्चन इज। जी बोलिए सर। हाँ, नीरज कुमार झांसी से बोल रहा हूँ। जी हाँ सर, ये जो ब्रेक शू में ब्रेक लाइनिंग लगाते हैं जी, इसकी लेंथ कैसे चेक करेंगे, सही है कि नहीं, इसका कोई कैलकुलेशन है? सर लेंथ मतलब आप ये वाली लेंथ बता रहे हो? ये पूरी? हाँ यही वाली लेंथ, ये वाली लेंथ। हर ब्रेक के,
हर ब्रेक टू जो भी ब्रेक है उसके पीछे ना यहाँ पे ये अंदर की तरफ देखिए, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ तो 200, ये 100 ब्रेक है, 300-400 लिखा रहता है, देखा है मैंने 300-400, ये 100 से लेके 50 से स्टार्ट होते हैं, 50 से आप जितना जितना कैपेसिटी वाई ये बढ़ते जाते हैं। यस 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 यस। हाँ, तो इनका जो कैटलॉग है, कैटलॉग में ये अगर साइज आपको ये और ये देखना है बिना ब्रेक के पास जाए ही देखना है, तो वो कैटलॉग में दिया हुआ है कि कितने के ब्रेक के साथ कितने का ये लगेगा, और इसकी थिकनेस भी उस पर ही डिपेंड करती हुई जाती है। थिकनेस तो 200 का है तो 8mm का होगा। हाँ, बट अगर आप फिजिकली आपके पास है ये तो वहाँ आप जाकर डायमेंशन ले सकते। नहीं, इसका एक फॉर्मूला है सर। हेलो जी, बोलिए सर, आवाज आ रही है? हाँ, इसका एक फॉर्मूला है, ये सेंटर से 70 डिग्री रहता है सर। हाँ, से सेंटर ये से? इसका जो ब्रेक ड्रम है, ब्रेक ड्रम के सेंटर से 70 डिग्री पे जो भी आर्क बनेगा जी, वो ब्रेक शू की लेंथ होती है, और उसमें ब्रेक शू की थिकनेस को ऐड कर लेते हैं। नहीं 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 सर, ये जो आता है, ये जो ब्रेक ये कंप्लीट एक लेंथ में होता है, मीटरों में आता है। नहीं, ये तो पूरा एक रोल आता है, रोल आता है, रोल रहता है, और रोल को कट कहां से करें ताकि वेस्टेज ना हो, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉस्टली आइटम, ये काफी कॉस्टली आइटम होता है, वेस्टेज ना हो इसलिए प्रॉपर लंबाई में ही काटना चाहिए, अदरवाइज ये शायद 2,000-1,500 मीटर आता है रोल एस्पेस्टस का। सर ठीक है, आप जो कह रहे हो वो ठीक है, बट आप साइजेस भी निकाल सकते हो कैटलॉग में, ये लंबाई वाली चौड़ाई कितनी होती है उसके हिसाब से मैंने देखा, चौड़ाई तो उसकी फिक्स रहेगी सर। सर एक सेकंड सर, सर अरविंद हियर सर, सभी ब्रेक मैन्युफैक्चरर का साइज लिटिल बिट डिफर करता है, और सभी की जो डिटेल है वो उनके ब्रेक मैनुअल में अवेलेबल रहती है, तो हम जो भी पर्टिकुलर मेक यूज कर रहे हैं उनके ब्रेक मैनुअल में ये डिटेल्स होती हैं उनके ब्रेक साइज के रिस्पेक्टिव, तो वहां से हम उन साइजेस को टेक केयर करते हुए कंसीडर कर सकते हैं। कैलकुलेशन है वो 70 डिग्री एंगल पे जो भी आर्क बनेगा उतनी लंबाई रखेंगे ब्रेक शू की। सर मैनुअल में ऑलरेडी उनके साइज पहले से स्पेसिफाइड हैं, तो वहां अलग से कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, वेलकम। हेलो सर। जी हेलो सर। सर दिस इज सेंथिल कुमार फ्रॉम चेन्नई, ICF। ICF जी बोलिए सर। सर दिस 18 kg एंड 36 kg यू मेंशनड ना, थ्रस्टर मोटर। सर आपने सही क्वेश्चन किया, डबल अलग अलग केजी पे अलग अलग डिपेंड करता है, ये 18 केजी की है जो मैं अभी आपके सामने रखी हुई है, वो 18 की है, मैं अभी दूसरी दिखाऊंगा मैं आपको 23 केजी 34 केजी 36 केजी अलग अलग आती है। सर प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश सर, दिस 18 केजी इज मेंशन फॉर व्हाट सर, टॉर्क और लिफ्टिंग कैपेसिटी? सर दिस पर्टिकुलर रेटिंग इज फॉर द थ्रस्टर मोटर रेटिंग। ओके। And 18 kg, 34 kg, 23/5 kg, 62 kg, all these are the ratings of the this particular motor. Okay. इसके लिए 18 kg का लगेगा, ये कैसे decide होगा? 18 kg means the lifting capacity. Sir, any calculation between? Sir, for the selection of this, design manufacturer is actually selecting based on the their design parameters, and all those selections are based on the Indian standard, and whatever the catalog we are referring for those for this selected manufacturer. Hello sir. Yes, somebody sir. Hello. Yes sir. Hello. Yes sir. Hello sir. Hello. Hello. Yes sir. Please tell me sir. Sir, इसका detail वगैरह कुछ हो? KG का डाला जाएगा sir. किस टन के क्रेन के लिए कौन सा अपना thruster brake लगेगा? Sir, मैं आपको वही बताना चाह रहा था, अगर हम क्रेन कैपेसिटी के रिस्पेक्टिव ब्रेक का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रेक का सिलेक्शन मोटर की रेटिंग पे डिपेंड होता है। अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे जी, अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम रेटिंग की क्रेन कैपेसिटी में अलग अलग टाइप की मोटर रेटिंग लगी होती है, और उसी के रिस्पेक्टिव उनके ब्रेक साइज छोटे या बड़े लगे होते हैं। यदि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, 5 टन की एक छोटी सी क्रेन के साथ अगर मैं बात करूं और 3 mpm स्पीड है तो वहां 5 hp मोटर लगती है, लेकिन यदि वहीं पे मैं 5 टन में ही 6 mpm स्पीड लूंगा तो वहां 10 hp मोटर लगेगी। तो सर जब 5 hp मोटर यूज करूंगा तो ब्रेक साइज छोटा होगा, 10 hp मोटर यूज करेंगे तो ब्रेक साइज बड़ा होगा, बट कैपेसिटी सेम है।
तो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली कैपेसिटी, इट इज डिपेंडेंट ऑन द सिलेक्टेड मोटर रेटिंग. ओके, तो दैट्स व्हाई इट विल वेरी एंड इट विल डिपेंड अपॉन द डिजाइन मैन्युफैक्चरर हु विल सिलेक्ट फ्रॉम द अप्रूवल मेक. हेलो सर. यस सर. दर्शन शर्मा दावत से. यस सर, प्लीज टेल मी सर. ये ब्रेक लाइनर के थिकनेस साइज क्या रहती है मिनिमम? सर ब्रेक लाइनर की सर ब्रेक लाइनर की थिकनेस ब्रेक के साइज पे वेरी करती है और ये उनके मैनुअल्स में डिफाइंड है ब्रेक के साइज के रिस्पेक्टिव. तो जो भी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को हम यूज कर रहे हैं, जिस मेक को यूज कर रहे हैं, उनके मैनुअल को अगर रेफर करेंगे तो ब्रेक के साइज के रिस्पेक्टिव हमको वहां से ब्रेक की थिकनेस जो है क्लैरिटी मिलती है और सेम थिकनेस को यूज करते हुए वर्किंग कर सकते हैं. इनफैक्ट ब्रेक साइज के साथ साथ वहां पे ब्रेक लाइनर इनकेस अगर हम आगे जरूरत पड़ती है तो वो किस साइज का चाहिए होगा उसकी क्लैरिटी भी वहां से मिल जाती है. सर हेलो. जी सर. जो जी सर ये स्प्रिंग रॉड क्यों टूटता है? स्प्रिंग रॉड घिस जाता है और ब्रेक रॉड वालों का टूट जाते हैं कई बार. स्प्रिंग ये वाली स्प्रिंग सर? हाँ जी, ये स्प्रिंग रॉड घिस जाता है और ब्रेक रॉड टूट जाता है कई बार. मतलब इस स्प्रिंग रॉड की बात कर रहे हैं सर? इसकी जी जी ये स्प्रिंग रॉड टूट जाती है. हाँ घिसती है, घिस जाती है वो पर्टिकुलर जहां से टचिंग होता ना उस जगह से. इस जगह से? जी जी. ये यहाँ से इस कंडीशन में घूमती है सर. जो मैं आपको बता रहा ना स्टार्टिंग में, ये वाइब्रेशन करता है आपका ब्रेक इस तरीके से घूम जाए वो, इसलिए ये कंडीशन होती है. मैं आपको बता रहा हूँ ये रॉड कभी कभी टूटता है सर. टूटने का कारण क्या है इसकी? सर ये टूटने का और लगने का एक रीजन होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ. सर प्रॉपर सेटिंग होने की वजह से टूटेगी, रीजन अभी आपको बता रहे हैं. सेटिंग में क्या कमी रहेगी तो आपको बता रहे हैं. अगर ये कमी हमने छोड़ रखी है तो ये टूटेगी. तो अभी आपको बता रहे हैं कि अगर हम इसको ध्यान रखेंगे तो ये चीज अवॉइड की जा सकती है. सिर्फ एक बोल्ट लूज गया है ये वाला. जब ये प्रॉपर सेटिंग नहीं होती है और ये हमारा टाइट होता है, एक मिनट में टाइट करके भी दिखाता हूँ. ये स्प्रिंग का लोड मेरा टाइट है, ये सिर्फ बोल्ट मैंने लूज किया हुआ था. तो इससे क्या हो रहा है, ये ऐसे करके ब्रेक, जब आपका मोटर जब चलती है उसका जो ब्रेक है, जो ब्रेक ड्रम है, वो इसको स्ट्राइक करता रहता है और वो इस तरीके से हिलाता है, गड़गड़ की जो आवाज आती रहती है इस तरीके से. जब ये आ रही है तो देखिए, ये जब ऐसे हिल रहा है ना, तो ये वाला घर्षण है ऐसे. देखिए आप धीरे धीरे कर रहा हूं मैं, ये देखिए जब इस तरीके से हिलता है तो ये रोड के संपर्क में, ये रोड जो है इसके संपर्क में है. तो ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये तो हार्ड है, तो ये रोड घिसना यहां से कट के यहां से टूट जाती है ये रोड, क्योंकि यहां पर लोड पड़ा हुआ है, ये तो बिल्कुल टाइट है. बट ये इस तरीके से ब्रेक हिलती है और जब ये इस तरीके से ब्रेक हिलती है तो ये यहां से घिसता है इस जगह से. तो इसे रोकने के लिए आपको ये वाला टाइट रखना है, जो मैंने बताया था कि बंद कंडीशन में आपको ये वाली पोजीशन बिल्कुल टाइट कर देनी है, ऐसे करके पूरा टाइट करके लॉक कर देना है ताकि ये अब ना हिले. जैसे अब मैंने ये टाइट किया, अब हिलना बंद. तो ये इसलिए टूटता है सर. जी सर. हेलो. जी बोलिए सर. सर वो डीले होता है और चला ऑपरेशनल होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है सर थ्रस्टर पे? हाँ, अब अभी आपने बताया था कि आपकी ब्रेक की कंप्लीट सेटिंग है. कंप्लीट सेटिंग होने के बाद भी आपकी मोटर अगर आपका लोड नीचे आ रहा है तो ये जैसे अभी आप ड्राइव यूज कर रहे हो, ड्राइव में एक अलग अलग मेक की अलग अलग ड्राइव में अलग अलग पैरामीटर होते हैं. बट मैं यस का वागा बता देता हूँ. एक्सेलरेशन डिक्लेरेशन की टाइमिंग होती है, वो ब्रेक को कंट्रोल करने के लिए होती है, वो मोटर की डिपेंडेंस है. तो वो एक्सेलरेशन डिक्लेरेशन में जाके आप टाइमिंग आपने 4 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड कितनी की हुई है उस पर डिपेंड करता है. जब आपकी पूरी कंप्लीट मोटर सेटिंग है उसके बाद भी आपका लोड स्लिप कर रहा है तो आपको एक्सेलरेशन में जाकर के वहाँ टाइम देखना है कि वहां पर एक्सेलरेशन डिक्लेरेशन का टाइम क्या दिया हुआ है. अच्छा, नहीं उस पर भी डिपेंड करता है. आपने 5 सेकंड दी हुई है,
तो 5 सेकंड के बाद ही ये आएगा, और आपने 1.5 सेकंड दिया तो वो जैसे मोटर जब तक बंद अपनी पूरी 30% मोटर की स्पीड रहेगी तब तक ये बंद कर देगा। हाँ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे, 4 सेकंड में तो LT बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है, तो कहीं भी जाके स्ट्राइक कर सकता है वो। तो आपको एक्सेलेरेशन डिक्लेरेशन में सब टाइम देखना होगा। ओके। अलग अलग मेक की मतलब होता सभी में, मतलब यो जो एक्सेलेरेशन डिक्लेरेशन का होता है सभी ड्राइवरों में होता है, बट यस्कावा का जो है वो मैंने आपको शेयर किया है, टाइमिंग वही रहती है जो मैंने बताया है, आपकी 1.5 मिनिमम होती है और मैक्सिमम आप 10-12 सेकंड आगे कर सकते हैं। सर ब्रेक तो रहता है सर। नमस्ते। हेलो हेलो जी, बोलिए सर। हेलो सर, ब्रेक लाइनर जो घोरपट है। हेलो जी, बोलिए सर। सर लाइनर जो रहता है उसमें एस्बेस्टोस रहता है, तो वो एनवायरनमेंट में हैजर्ड है, तो उसका कोई अल्टरनेट है क्या? क्या सर? एस्बेस्टोस जो आता है लाइनर में, हाँ, तो दूसरा कोई मार्केट में उसका अल्टरनेट मिलता है क्या लाइनर के लिए मटेरियल में? सर अल्टरनेट तो मिलते हैं सर, आजकल तो सभी चीज के अल्टरनेट है सर। सर वो ब्रेक्स और पुल्ले में कितने डिफरेंस होनी चाहिए खोलते समय ब्रेक को? सर ये गैप कितना होना चाहिए? हाँ सर, ब्रेक जब खोलती है तो गैप कितनी होनी चाहिए सर? जब अगर जैसे मैंने अभी तरीके से बात बताई थी कि कितना खुलेगा ब्रेक, तो ज्यादा से ज्यादा 15 mm का दोनों तरफ गैप आएगा, मैक्सिमम 15 mm का गैप आएगा सर, 15 mm का इधर आएगा, 15 mm का इधर आएगा मैक्सिमम। ओके सर, थैंक यू सर। जे हेलो सर, दिस इज ट्रांसफार्मर जी। हेलो, बोलिए सर। सर दिस थ्रस्टर मोटर एनी डायमेंशन स्टैंडर्ड डायमेंशंस आर देयर अकॉर्डिंग टू सम मैन्युफैक्चरर दैट हाइट ऑफ दैट थ्रस्टर मोटर इज मेड डिफर, एनी स्टैंडर्ड डायमेंशन IS द IS इज देयर? अरविंद सर शेयर करो सर। सर हमारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर। So the thruster motor, no, thrust motor dimension, height of the dimensions may differ, yes, from some manufacturer. Sir, actually, each and every manufacturer have their own design. Oh, it is not based correct, on no, the, sir. Their dimensions are will change the. Sorry, it is not correct, no, sir. We are one to one replacing for. It is very difficult to replace the motor, no. If the no, dimensions sir, are not in if proper. If sir. Yes, screen ko sir saaf kijiye. We are going with the only monitoring. Yes, screen ko saaf kijiye sir. स्क्रीन की गैर साफ नहीं आ रही है सर, पूरा स्क्रीन चल गया है सर। अभी आप देख पा रहे हैं? हाँ, ओके सर, आ रहा सर जी। सर मेरा कहना ये था, आई जस्ट वांट टू से दैट कि दैट द डाइमेंशंस आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द मैन्युफैक्चरर एंड देयर ओन डिजाइंस। हाउएवर फॉर द मोटर रेटिंग इन जनरली दीज पर्टिकुलर डाइमेंशंस आर सेम, बट द इंटीग्रल डाइमेंशंस ऑफ द ब्रेक rest of the other integral dimensions which is can vary. These integral parts you cannot change from one brake manufacturer to with the other manufacturer, but the motor can be replaced. Motor can be replaced there, but suppose that a dimension of the plunger pin dimension, that height of the dimension may vary, means we can't those will be vary sir. Definitely. Okay. Thank you, sir. There is no standard specification, is it? Sir, namaste. Sir, actually, hello, sir. For those, there is no. For those, there is no restriction. Okay. Thank you, sir. Namaste. Yeah, Vijender. Welcome, sir. Vijender. जी, बोलिए सर. आगे बताइए सर. LT moment में. जी. Sir, namaskar. नमस्कार सर, बोलिए सर। सर मैं जानना चाह रहा था केजी से यहाँ पर अपन थ्रस्टर में 18 केजी 36 केजी नंबर दे रखा है, उसका क्या मतलब हुआ?
18 केजी, 23 केजी, एक केजी से क्या होगा? मतलब सर, सर ये पर्टिकुलर जो आप रेटिंग इस पे मार्क रहती है 18 केजी, 34 केजी, ये पर्टिकुलर एफर्ट मतलब एक पुल होता है जो ये मोटर्स प्रोवाइड करती हैं, मिनिमम पुल होता है, मतलब कि ये जो अब आप इसको खींचेंगे जब इसके मोटर के उठने की वजह से आपका तकरीबन 18 केजी का पुल वहां पे अप्लाई होता है, तो ये मिनिमम रेटिंग होगी, उससे एक्सीडेड हो सकता है उसका रेटिंग, बट उससे कम नहीं होगा। तो जब कभी ये हाइड्रोलिकली मोटर खुलती है, हाइड्रोलिक मोटर, तो इसकी वजह से जो ऊपर की तरफ से पुल लगता है जब ये खिंचाव पड़ता है, तो वो जो पुल होगा वो 18 केजी का मिनिमम होगा। ये इसकी मिनिमम रेटिंग होती है जो कि उनकी इंटरनल टेस्टेड होती है मैन्युफैक्चरर की, बेस्ड ऑन दैट वो उनको एक रेटिंग प्रोवाइड करते हैं जो कि उनकी मिनिमम रेटिंग के लिए क्लियर होती है। तो जब हम 34 केजी यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स वो जो पर्टिकुलर मोटर है वो 34 केजी का पुल प्रोवाइड करेगी। हेलो सर, हेलो, यस सर, ये अपना सर कस्टम मोटर में जो ऑयल रहता है वो कब अपन चेंज करना पड़ता है? सर बेस्ड ऑन दी योर वर्किंग फ्रीक्वेंसी यू कैन रिप्लेस इट ऑन क्वार्टरली और हाफ ईयरली। ओके ओके सर, 25 टन के फ्रेम में कितने केजी का थ्रस्ट उपयोग होगा सर? हेलो सर, और ये क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर? बोल रहे हैं सर 25 टन के क्रेन, जी सर बोलिए सर, क्या होगा सर? सर पीछे से साउंड आ रहा है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सभी को दोबारा एक बार क्वेश्चन रिपीट करिएगा। जी सर क्वेश्चन रिपीट करिएगा सर एक बारी। सर ऊपर लेग रहता है ना सर थ्रस्टर के ऊपर जो पिवोट लगता है, थ्रस्टर के ऊपर पिवोट, यस सर, वो ब्रोकन हो रहा है सर, वो स्पेशली 18 केजेस का वो ऊपर सिलेंडर, वो थ्रस्टर का ऊपर रहता है ना सर, लेग वो पकड़ने वाला ऊपर का पिवोट, ये वाला सर? हाँ सर वो वाला, इसके ऊपर सर, इसके ऊपर वो हिंज वो कनेक्ट हो गया ना सर, वो सर वो टू ट्राई सर, यस दैट इज द लेग ब्रोकन हो रहा है सर, यस सर लेग इज ब्रोकन फॉर 218 केजेस का है सर, 18 केजेस का थ्रस्टर को ब्रेक हो रहा है सर, उधर क्रैक हो रहा है सर, ये वाला इससे क्रैक हो जाता है आपका, यस लेग गई सर। तो सर उसका ये तो अगर आप ज्यादा लोड दे रहे हो, लोड वाले टाइम पे ही अगर इस पे फोर्स लगता है, बाकी का तो ऐसा, तो क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लोड डाल रहा हूँ ये खुलने में कैपेसिटी, तो इस पे ही लोड आता है, तो उस कंडीशन में तो एक रहता है, बाकी का ये बहुत कम, पहला केस है सर मेरे सामने, तो इस कंडीशन में ये डैमेज हो रहा है। हाँ सर वो डैमेज हो रहा है सर, वो कंटिन्यूस, तो आप ये देख सकते हैं इसका लोड कितना बड़ा हुआ है। ये तो मैं कभी हाथ ही नहीं लगाया सर, अभी बोलने के बाद मेरे को समझ में आ रहा है वो एडजस्टमेंट कैसा करना है, तो लेकिन इसमें बोले ये ज्यादा लोड होगा सर उसके ऊपर, वो कम करना पड़ेगा सर। जी और इसमें मैं क्या लाइनर नहीं मिलता है सर, जो आप लोग बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरर के हिसाब से परचेस करो, ऐसा नहीं मिलता है ना सर, मार्केट में जाके मैं ब्रेक लाइनर लेता हूँ, जो मिला वो थिकनेस कम है ज्यादा है वो लगा देता हूँ सर डायरेक्ट। सर देखिए थिकनेस अगर आपकी 8 mm या 10 mm मान लीजिए एग्जांपल के लिए, तो वो अगर आप 10 की जगह 12 अगर लगा रहे हो तो ये तो यहाँ से भी एडजस्ट हो जाता है। हाँ सर एडजस्ट करके यूज कर सकता है ना सर। हाँ अगर 1-2 mm का ऊपर नीचे है तो वो आप यहाँ से, इतना मार्जिन होता है इसमें एडजस्ट करने के लिए। सर हाँ सर वो यूज कर रहा हूँ, इसलिए वो गलती है क्या, डाउट क्लियर करने के लिए पूछा सर। नहीं नहीं सर, ओके थैंक यू सर। ओके विजेंद्र जी अब आगे सेशन को बढ़ाइए, तो फिर हम क्वेश्चन आंसर राउंड बाद में रखेंगे एक बार और, सो इसके आगे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके एंड सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन के टाइम पे अनम्यूट करते हैं सबको तो काफी नॉइज आती है, तो रिक्वेस्ट है सबसे कि हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन एक एक करके पूछें, और जब जिनको जरूरत है वही अपनी माइक को ऑन करें और बाकी सब म्यूट रखें। इससे क्या होता है क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता है, एक ही चीज को कई बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट, व्हेन यू रिक्वायर्ड देन अनम्यूट योर सेल्फ, अदरवाइज प्लीज म्यूट योर माइक व्हेन यू रिक्वायर्ड अनम्यूट योर सेल्फ। थैंक यू विजेंद्र जी, कंटिन्यू कीजिए। जी अभी जब हम बात कर रहे थे, अभी जो लास्ट ब्रेक जब मैं दिखा रहा था आपको, इंडोर और आउटडोर की बात कर रहे थे,
इस ब्रेक में उस ब्रेक में क्या क्या फर्क है, इनमें तीन चीजों का ध्यान रखना है, इसमें और उसमें सिर्फ तीन फर्क है। पहला तो ये इंडोर और आउटडोर, मतलब साइड के अंदर और साइड के बाहर दोनों ही कंडीशनों में यूज होता है ये ब्रेक। उसको साइड के बाहर करते तो पानी वानी जा करके कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद जा जाके उस मोटर के अंदर और फिर वो ऑयल को खराब कर देती है। बट इसमें आप बाहर भी यूज कर सकते हो और अंदर भी यूज कर सकते हो, एक तो ये रहता है। दूसरा इसका केजी, जैसे 18 केजी की है ये 23 केजी का होता है, इसका जो लोड होता है वो 23 केजी तक उठा सकता है। तीसरा जो होता है इसकी जो सेटिंग में, बाकी की सेटिंग सारी सेम होती है, ये भी सेम है इसमें, ये जो सू को अगर हमें आपको एडजस्ट करना है ये भी सेम है, और नीचे जो बोल्ट लगे हुए हैं ये वाले, ताकि ये ऐसे आगे पीछे इस तरीके से ना हिले, ये वाला हिस्सा ऐसे घूमता है, तो उसके लिए भी ये सेम बोल्ट लगे हुए हैं। फर्क क्या रहता है इसमें, सबसे ज्यादा फर्क जो उसमें क्या था, अभी हम जो देख रहे थे, जो यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ भी एक स्प्रिंग लगी हुई है, एक मिनट में दिखाता हूं, इसके अंदर भी एक स्प्रिंग है, ये देखिए यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है, ये वाले हिस्से में यहाँ में स्प्रिंग लगी हुई है, ये अंदर है। उस वाले में क्या था कि मैं बार बार टाइट कर रहा हूं और बार बार लोड की कैपेसिटी देख रहा हूं कि मेरा लोड कितना स्लिप हो रहा था, बट इसमें एक स्टैंडर होता है बिल्कुल, इसमें आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या रहता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो कैप देख रहे हो आप, एक नट के अंदर कैप बना हुआ है इस तरीके से, इधर से ये नट है और इधर ये कैप बना हुआ है, इसमें कैप, ये सबसे, ये इसका बहुत रोल होता है। जब आप इस नट को टाइट करोगे और इस वाले नट को टाइट कर दो, जब ये दोनों टाइट है बराबर, बिल्कुल जैसे मैंने नीचे वाला किया और इसको टाइट कर दिया, टाइट करके छोड़ दो, जैसे मैंने ये बताया था ना, जैसे ये टाइट करने के बाद पीछे से मैंने हल्का सा उठाया और एक राउंड घुमा दिया, उसके बाद इसकी सेटिंग प्रॉपर हो जाती है, सेम इसी कंडीशन में इसका होता है। जब नीचे वाले बोल्ट को टाइट करके इस वाले कैप तक, लास्ट कैप तक आ जाएगा, तो इससे आप टाइट करोगे तो ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे जाएगा नहीं, ये फिक्स हो गया। ये फिक्स होने के बाद अब जो लोड है, ना तो इसमें मैक्सिमम लोड पड़ रहा है ना इसमें मिनिमम लोड पड़ रहा है, मतलब ना तो ये ज्यादा जल्दी बंद होगा कहीं ज्यादा जल्दी, उसमें क्या था मैनुअल था, हो सकता है हम ज्यादा लोड डाल दें और उससे फर्क पड़े हमारी मोटर पे खुलने में, बट इसमें नहीं होता ये, इसमें कैप फिक्स होता है। जब हम इसे टाइट कर देते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं अपनी पोजीशन पर, लास्ट पे ये रुक जाएगा, जैसे हम लोड देंगे तो उसी टाइम पे ही बंद होगा और टाइम से ही इस पे कम लोड रहेगा और ये आराम से खुलेगा भी। सिर्फ इसमें तीन फर्क होते हैं, तीन उसमें और इसमें। जैसे ही आपका ये बढ़ता जाता है, ऑयल की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, वो उसमें 1.25 लीटर आता है, इसमें 1.5 लीटर ऑयल आता है, वो ट्रांसफार्मर ही ऑयल होता है। जी कोई क्वेश्चन सर इससे आगे बढ़े? दूसरा पूरा सेम है सर, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग आगे सारा सर, सेम आगे है, सिर्फ ये जो तीन फर्क थे, तीन डिफरेंट होते। चले सर आगे। हाँ जी विजेंद्र जी, आगे बढ़े सर जी, आगे बढ़िए जी, एक मिनट सर, वेल सर आगे बढ़े, एक मिनट। ये थ्रस्टर ब्रेक के बाद में जो सेकंड जो ब्रेक यूज करते हैं क्रेन लाइन में, वो होती है डीसी डिस्क ब्रेक। मैं अब डीसी डिस्क ब्रेक दिखाता हूं, सर स्क्रीन आ रही है अभी आपको? हाँ जी विजेंद्र जी आ रही है स्क्रीन, वीडियो भी ऑन हो गई है, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ये वीडियो दिख रहा है सर? हाँ जी जी, कंटिन्यू कीजिए। ये डीसी डिस्क ब्रेक है,
ये एक मोटर है, मोटर के बैक साइड में एक ब्रेक, ये गियर, यहाँ पे गियर लगा हुआ है, फिर मोटर है, और लास्ट में हम लोग ब्रेक की सेटिंग दिखा रहे हैं। ब्रेक की सेटिंग और पार्ट्स, ये पूरा खुला हुआ है, सारा आइटम अलग अलग खुले हुए हैं। इनको किस तरीके से, जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए, आपने एक नई ब्रेक ली हुई है आपके पास, गई हुई है, तो आप कैसे उसे फिट करेंगे वहां पे साइड पे, तो वो एक डिटेल में मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या पार्ट होते हैं और कैसे इसको फिट करते हैं। इस वीडियो को देखते हैं, 5 मिनट का वीडियो है। ये ब्रेक है, ब्रेक के पीछे एक माउंटिंग बनी हुई है, माउंटिंग के बाद ये एक प्लेट है, माउंटिंग प्लेट, तीन स्क्रूओं से इसे टाइट कर देते हैं एलंकी से। पूरा प्रॉपर टाइट करें, क्योंकि यही एक बेस होता है, ब्रेक का पूरा बेस होता है। जैसे ही आपकी माउंटिंग प्लेट लगने के बाद, ये फ्रिक्शन प्लेट का हब है, जिसे ब्रेक लाइनर भी बोलते हैं, फ्रिक्शन प्लेट भी बोलते हैं। ये जो हब है, इसको दोबारा से दिखाता हूं मैं, इसमें एक छोटी सी की लगी हुई है यहां पे। अगर ये यहां पर की लगी हुई है, अब इसको ठोका थोड़ा सा, हल्का सा पुश किया ये अंदर की तरफ, और यहां पे एक सर्क्लिप डाल देते हैं ताकि ये बाहर ना निकले, हब बाहर ना जाए, तो इसे लॉक करने के लिए। ये सर्किलिप अपने ग्रुप में सेट कर दिया, इसको फ्रैक्शन प्लेट या ब्रेक लाइनर दोनों ही बोल सकते हैं आप, ब्रेक लाइनर भी हो सकता है कह सकते हो, या फ्रैक्शन प्लेट भी कह सकते हो। ये पूरी जो असेंबली है, जो अभी लास्ट ली है, ये पूरी असेंबली जो होती है, ये मैग्नेट होती है, ये इसका मैग्नेट है। इसके भी अलग अलग पार्ट है, वैसे ये पूरा कंप्लीट दिखाया हुआ है यहां पे। ये मैं मैग्नेट को इसके साथ टाइट कर देते हैं, जो अभी थ्रस्टर ब्रेक देखे थे उसमें 415 वोल्ट एसी की रिक्वायरमेंट थी, इसमें डीसी की रिक्वायरमेंट है। ब्रेकों के अलग 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 मैन्युफैक्चर का अलग अलग रहता है, जो ये जो ब्रेक है इसमें जो रिक्वायरमेंट है पावर सप्लाई की, वो डीसी 190 वोल्ट है। अब एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ये येलो कलर का जो दिख रहा है, ये रेक्टिफायर है, जैसे अभी ये सप्लाई दी है इसको, और सप्लाई के साथ ही ये ब्रेक ओपन हुआ है। यहां से सप्लाई ली हुई है और इसको एक बार एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर लगा हुआ है। और ये जो है हैंडल जो होता है, ये वाला हैंडल जो होता है, ये हम लोग अगर किसी कारण, आपकी मान लीजिए सिटी है, वो बीच सेंटर में जाके किसी कारण से फंस गई है, या फिर आपका अप डाउन है, अप डाउन पावर सप्लाई चली गई और आपको लग रहा है कि आप पावर सप्लाई नहीं आने वाली है, और आपका लोड आपका हैंगिंग है, ऊपर उठा हुआ है, अब आपको ग्राउंड करके जाना है, तो बिना सप्लाई के तो ये खुलेगी नहीं, तो आपको लोड नीचे करने के लिए ये जो हैंडल है, ये लीवर, ये मैनुअली है, आप इसको हल्का सा पुश करोगे, देखिए अभी दिखा रहा हूं, इसको इस तरीके से हल्का हल्का सा खींचोगे तो धीरे धीरे आपका लोड नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, ये ब्रेक रिलीज हो जाती है। मैनुअली रिलीज के लिए ये हैंडल लगा हुआ है इसमें, ये वाला, इस तरीके से आप बाहर की तरफ थोड़ा सा खींचिए और धीरे धीरे
लोड आपका नीचे आएगा। आप ज्यादा खोल दोगे तो एक साथ आ जाएगा धीरे 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 अपने अंदाज से, जैसे देखिए हल्का सा घूम खींचा जा रहा है और हल्का सा हाथ से पुश कर रहे हैं, घुमा के दिखा रहे हैं ये वाला, और अगर इसे छोड़ देते तो घूमेगी नहीं ये, तो ये मैनुअली अरेंजमेंट के लिए इसमें ब्रेक हैंडल होता है लोड को नीचे लाने के लिए। अब बात आती है इसके अंदर गैप। अब जैसे मैंने असेंबल कर दी, असेंबल करने के बाद अब हमारा लोड जो है वो स्लिप कर रहा है, ब्रेक की सेटिंग प्रॉपर नहीं है, लोड स्लिप कर रहा है, या आपकी ब्रेक में से हीट कुछ जलने की सी बदबू आ रही है, निकल रहा है धुआं निकल रहा है, तो आप सेटिंग कैसे करें? ये असेंबल होने के बाद आप सेटिंग दिखा रहा हूं। पहले ये तीनों बोल्ट एलंकी के जो पीछे वाले बोल्ट हैं, इनको लूज करना है, अब इसके अंदर ट्यूब बोल्ट डले हुए हैं, ट्यूब नट हैं जो ये हैं, ये ट्यूब बोल्ट होते हैं, इनको ट्यूब बोल्ट बोलते हैं, इनके अंदर से एलंकी के बोल्ट पार होके जाते हैं। अब मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूं, देखिए इसमें तीन, हर एक ब्रेक के अंदर जैसे ये ब्रेक दी हुई है इसमें तीन है, तीनों को हल्का हल्का सा मैंने लूज किया है। अभी जब मैं इनको खोलूंगा तो ब्रेक लूज होगी, जब मैं इनको टाइट करूंगा तो ब्रेक आपकी टाइट होगी। एक बात हमेशा याद रखना है, जो अभी मैं यहां पे ये चेक कर रहा हूं ना, ये जो दिखा रहे हैं, एक बात याद रखना है हमेशा, जब भी आप ब्रेक की सेटिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे जो ये ट्यूब बोल्ट है उनको आपको तीनों को ही, अगर तीन है तो तीनों को बराबर ही खोलना है। अगर किसी कारण से एक को कम कर दिया, एक को ज्यादा कर दिया, तो ब्रेक तो धुआं देगा, मोटर पे लोड पड़ेगा ही पड़ेगा, खुलने के बाद भी और बंद होने के बाद भी, बट आपकी ब्रेक भी काम नहीं करेगी। अगर 10 टन की क्रेन है, 10 टन के लोड पे आप जब ट्रायल कर रहे हो, आप देख रहे हो कि यार ब्रेक भी मेरी गर्म हो रही है, मोटर पे भी, मोटर भी गर्म हो रही है, बट मेरा लोड नहीं रुक रहा है, तो वो जो कंडीशन आती है वो एक बोल्ट के वजह से आती है। जैसे एक बोल्ट को हमने ज्यादा टाइट किया, उसका गैप कम कर दिया और बाकी के इनमें गैप बराबर रख दिया। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास 10 की ब्रेक है तो 3 mm का गैप रखना था, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, 3 से 4 mm का गैप रखना था, 3 से 4 mm ना रख करके हमने उसमें 2 में तो 3-3 mm रखा था, बट जो तीसरा वाला था उसमें 5 mm कर दिया, या फिर उसमें 1 mm कर दिया, बाकी के में 3-3 mm रखे हुए, तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे ही आप ये पूरा सेटिंग करने के बाद पीछे वाले फिर जो एलंकी के बोल्ट जो आपने लूज किए थे उनको फिर से टाइट कर देना। तो ये थी आपको डीसी डिस्क ब्रेक जो अभी दिखाया है वीडियो। अब देखते हैं प्रैक्टिकल। ये जो ब्रेक थी वो ये है जो अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, इस तरीके से ब्रेक होती है, यहां से पावर सप्लाई के लिए एक केबल निकली होती है इस तरीके से, ये पूरी असेंबली है इसकी। अब इसके पार्ट अलग अलग करके दिखाता हूं, ये इसके लास्ट सबसे पीछे के बोल्ट होते हैं, इनको खोलेंगे, इसके ऊपर एक डस्ट कवर होता है ताकि इस ब्रेक के लाइनर के अंदर डस्ट ना जाए, ये इसका कवर होता है, ये जरूर होता, जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो इसके अंदर का डस्ट इस तरीके से डस्ट जाएगी और बार बार लाइनर के अंदर जाने थे ये लाइनर खराब हो जाता है। ये पहले हटाया, ये होती है फ्रिक्शन जो मोटर के अंदर माउंटिंग प्लेट होती है, इसके अंदर 6 होल देख रहे होंगे आप, 6 होल है, 3 में आपका चूड़ी की है, 3 में नहीं है, जिन 3 में चूड़ी नहीं है वो माउंट होगा मोटर के साथ होल, इन 3 में नहीं है ये मोटर के साथ माउंट होंगे, और ये 3 जो हैं वो इस एलंकी के लिए माउंट होंगे, जब मैं ये ब्रेक को सेट करूंगा तो वो इस तरीके से यहाँ माउंट होंगे, और 3 में थ्रो होल होता है इस तरीके से, जो थ्रो होल है ये मोटर के साथ कनेक्ट होंगे। तो ये माउंटिंग प्लेट है हमारी, सबसे पहले इसको मोटर के साथ माउंट करके जैसे मैंने अभी वीडियो में दिखाया है,
दूसरा होता है ये हब, हब में एक की होती है, इस की के द्वारा इसको हमें मोटर की शाफ्ट पे लगाना है और पीछे से की पे चढ़ाने के बाद पीछे से सरक्लिप लगा देनी है, ग्रुप कटा होता है सरक्लिप लगानी है। हब के बाद ये होता है ब्रेक लाइनर या फ्रैक्शन प्लेट भी बोलते हैं, इसको जब भी आप लगा रहे हो ना तो इसमें ना एक रेड मार्क होता है, यहाँ पे देखिए एक रेड मार्क दिया हुआ है ये वाला, सेम रेड मार्क यहाँ होता है इसमें भी। दोनों रेड मार्कों को जब आप मैच कराओगे ग्रुप में तो ये बहुत आराम से चला जाता है इस तरीके से, और ये दोनों तरफ आप अंदर बाहर दोनों तरफ निकल सकता है ये आराम से, इधर भी निकाल सकते हो इधर से भी निकाल सकते हो। बट आप इस ग्रुप के अलावा ये रेड मार्क के अलावा अगर आप इसे डालते हो इसके अंदर तो इसके टीथ इसके खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं ये वाले, जब भी आप डालें तो ये मार्किंग मिला के तभी इसके अंदर इस तरीके से मैच कराएं, इसको ज्यादा जबरदस्ती ना ठोकें नहीं तो ये खराब हो जाते हैं इसके गियर्स जो होते हैं कटे। एक आइटम हो गया माउंटिंग प्लेट, दूसरा आपका हब हो गया, तीसरा आपकी फ्रिक्शन प्लेट या आपका ब्रेक लाइनर हो गया। जो ट्यूब बोल्ट की जो बात कर रहे थे वो ट्यूब बोल्ट ये होते हैं, यहां से हमारा ये इस तरीके से बोल्ट, ये पीछे से बोल्ट डला है ये वाला ये, और ये कनेक्ट कर रहा है उस प्लेट को इस वाली को। जब ये प्लेट को कनेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे आपका ये ट्यूब की तरह है, मतलब खोखले, और यहाँ ये नट होता है, ये एडजस्ट नट होता है, इस तरीके से आप एडजस्ट करते हो, ये खुल सकता है और बंद हो सकता है। इनके अंदर स्प्रिंग लगी होती है और ये डिपेंड कराता है इसके गैप पे, यहाँ जो गैप बनता है मैग्नेट के बीच में और यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको जैसे जैसे आप टाइट करते जाओगे इस तरीके से ये गैप कम होता जाएगा ये वाला गैप, और जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो खोलते जा रहे हो तो ये गैप बढ़ता जा रहा है। जब ये वाला गैप बढ़ता है तो ब्रेक टाइट होती है, जब ये ब्रेक ये वाला कम होता है गैप तो ब्रेक लूज होती है। जैसे जैसे मैं इसको टाइट कर रहा हूँ ब्रेक लूज हो रही है, जैसे जैसे मैं इसको खोलता जा रहा हूँ तो ये गैप आगे की तरफ स्लाइड हो रहा है और इसका फोर्स जो है इसकी तरफ जा रहा है, यहाँ पे इस तरीके से ये लगा हुआ है, मैं इसको खोलता हुआ जा रहा हूँ तो ये बाहर की तरफ आ रही है क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगी हुई है अंदर, ये अंदर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ गैप कम हो रहा है, फ्रिक्शन प्लेट और माउंटिंग प्लेट के बीच में जो गैप है वो कम होता जा रहा है तो ब्रेक टाइट हो रही है। जैसे ही मैं इसको टाइट कर रहा हूं तो यहां गैप बढ़ रहा है तो ब्रेक लूज हो रही है। ये ट्यूब है, इसके बाद में ये होता है यहाँ पे ब्रेक हैंडल जो रिलीज करने के काम आता है इस तरीके से, जैसे ही इसको मैं दबा रहा हूं देखिए ये ब्रेक ऑटोमेटिक चिपक रही है, ये यहां पे जैसे मैं इसको बाहर की तरफ खींचता हूं तो ये यहां पे गैप खत्म हो जाता है, ये चिपक जाती है इस तरीके से मैनुअली, तो जब मैनुअली अंदर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे ये गैप बनता है, इससे ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देती है, ये इसके लिए होता है। अब असेंबल करते हैं सेम, जैसे अभी ये मैंने माउंट कर दिया है, ये यहां पर लग चुका है, पहले आपको जो ब्रेक गई हुई है उसकी सेटिंग बिना छेड़े कुछ मत करो, सबसे पहले उसे टाइट करके चेक करो, जैसे मैं अभी इसे टाइट कर रहा हूं ये मैंने इस तरीके से टाइट किया, टाइट हो गया। अब मैं क्रैंच चला के देख रहा हूँ, क्रैंच चलाने के बाद अब
इसके तीन रिजल्ट आते हैं। पहला रिजल्ट ब्रेक टाइट ज्यादा है, दूसरी जो प्रॉब्लम है जो आएंगी आप जैसे देखने को मिलेंगी भाई अभी आपको, तो पहली है ब्रेक ज्यादा लग रही है, टाइट हो रही है, या जलेगी से बदबू आ रही, स्मेल से आ रही है। दूसरा हो सकता है आपका लोड ही नहीं ले रही हो, और तीसरा इसमें से बदबू भी सी भी आ रही है और आपका लोड भी नहीं ले पा रही है। तो तीन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो पहली प्रॉब्लम की बात बताता हूं मैं, जब भी आप स्पिनर लगाओगे, जब भी आप ये ब्रेक की सेटिंग करोगे, जैसे मैंने ये डी स्पिनर लगाया हुआ है, सबसे पहले आप इन तीनों बोल्टों को लूज कर लो, पीछे जो एलंकी बोल्ट है, थोड़े थोड़े से एक एक चूड़ी इनको लूज कर लो, एक एक राउंड। ये मैंने एक एक राउंड लूज किए हुए हैं। एक प्लर गेज होता है, अगर बाय द वे आपके पास गेज नहीं है चेक करने के लिए गैप, तो आप क्रेन के ऊपर है तो कुछ पेपर हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं ये बताता हूं, आपकी ब्रेक ज्यादा टाइट है, अगर ब्रेक ज्यादा टाइट थी पहले, ये मेरे हाथ में पेपर कागज का टुकड़ा है, मैं यहां से गैप चेक कर रहा हूं, ये जो गैप चेक कर रहा हूं मैं यहां पे, और टाइट ब्रेक थी, अभी ये इसके अंदर आराम से जा रहा है, अब मुझे थोड़ी लूज करनी है, तो लूज करने के लिए मुझे ये ऐसे गैप बढ़ाना है, अब ये इसके अंदर नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है, अब ये लूज तो मैंने यहां से किया हुआ है, ये मुझे यहां से तीनों को खोल देना है, और बराबर खोला है मैंने, बराबर खोलने के बाद फिर मैं ये डाल के देखता हूं, अगर ये फिर भी नहीं जा रहा है, हल्का सा जा रहा है, अभी फिर थोड़ा सा ये स्प्रिंग से बाहर की तरफ निकल रहा है, जैसे जैसे मैं इसको लूज कर रहा हूं तो स्प्रिंग से ये बाहर की तरफ भाग रहा है, यानी कि गैप बनता हुआ जा रहा है इसके अंदर। हर एक बोल्ट के साथ जब भी आपको, जैसे ये गैप मैं बढ़ाता हुआ गया हूं, हर एक बोल्ट के साथ इसको इस तरीके से चेक करना है। मैंने पहला यहां चेक किया इस वाले बोल्ट के साथ, दूसरा फिर मुझे यहां चेक करना है, अब देखिए यहां आराम से जा रहा है, ये पूरा जा रहा है, इसमें पूरा जा रहा था बट वहां नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये ज्यादा लूज हो गया है। फिर लगा के देखना है, हाँ अब ये गैप बराबर हो गया। अब तीसरे वाले पे आते हैं, तीसरा वाला थोड़ा सा टाइट है, ये यहां पे। अब जब ये मैंने तीनों बराबर चेक किए, बराबर चेक करने के बाद, और फिर ताकि अब मेरे बराबर हो गए, बराबर होने के बाद ये हटा करके अब मैं ये लास्ट वाले बोल्ट टाइट करने, अगर ये टाइट नहीं करते तो वाइब्रेशन करने के बाद ये मैग्नेट खुल जाएगा, अलग हो जाएगा, और फिर आपके साथ जो भी आप लोड उठा रहे हो तो वो लोड हो सकता है, अगर ये खुल गया तो नीचे ही आ जाएगा। ये टाइट कर देने पूरे कंप्लीट, तीनों को कंप्लीट टाइट करना है, फिर आपको क्रेन को चलाना है, चेक करना है कि अब क्या रिजल्ट आ रहा है, पहले जो टाइट थी, जो स्मेल सी आ रही थी, क्या वो आ रही है, अगर वो नहीं आ रही है ठीक है, अब आपको लोड उठा के देखना है, लोड उठाने पे आपकी प्रॉपर अब लोड भी उठा रही है और स्मेल सी भी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ब्रेक की सेटिंग प्रॉपर है। अब बात आती है दूसरी, एक और जो प्रॉब्लम बताई थी, लोड स्लिप कर रहा है, तो वो लोड जो स्लिप कर रहा है, अभी टाइट की जो प्रॉब्लम जो बताई थी वो सेम उल्टा है, अभी हम लोग यहाँ पे गैप बढ़ा रहे थे, अब वो गैप कम कर देना है सेम उसी तरीके से।
वही सेम ये लूज की है। सेम लूज के हैं, अभी इनको खोल रहे थे, गैप ज्यादा टाइट थी कम करने के लिए, और अब लूज ज्यादा हो गई है, तो इनको ऐसे तरीके से टाइट कर देना है बराबर। इस तरीके से, और वही सेम प्रोसेस है, वो ये सभी में गैप चेक कर लेना है यहाँ पे। अब ये किसी में नहीं जा रहा है इतना मोटे की वजह से, मतलब इसका मतलब अब ब्रेक थोड़ी सी टाइट हो गई है, और सेम फिर दोबारा से आपको एलएनकी के बोल्टों से टाइट कर देना है। ये बोल्ट टाइट हो जाते हैं आपके, ये कंप्लीट टाइट हो जाते हैं। अब दो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं, एक तो ब्रेक ज्यादा टाइट की थी और एक लूज की थी। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, और उसमें ये दिमाग में नहीं आता कि उस कंडीशन में करना क्या है। आपको करने मतलब हम देख रहे हैं कि टाइट थी ब्रेक, तो हमने देख लिया यार जलने की सी बदबू सी भी आ रही है, ब्रेक भी हीट हो रही थी, हो सकता है मोटर पर ज्यादा लोड आ रहा होगा तो मोटर भी हीट हो रही थी, तो हमें समझ में आया था कि ब्रेक ज्यादा टाइट है। लूज का हमारे दिमाग में पहले से आ गया, जैसे हमने अगर 10 टन की क्रेन है, 10 टन के हिसाब से ब्रेक लगी हुई है तो वो बार बार नीचे जा रही है, लोड रोक नहीं पा रही है, तो दो चीज तो डायरेक्ट आ जाती है। लेकिन तीसरी जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम मतलब आती जाता है, पर डिफाइन मतलब देख नहीं पाता बंदा कैसे कहां से आ रही है, क्योंकि हीट भी होती है उस कंडीशन में ब्रेक, और आपका लोड भी नीचे आता रहता है। वो जो प्रॉब्लम पैदा होती है वो यहां से होती है, जैसे मैंने अभी बताया था कि आपने जैसे ही आपने ब्रेक की सेटिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैक्सिमम देखने को मिलता है जो प्रॉब्लमों में आता है, ये मैक्सिमम प्रॉब्लमों में से एक प्रॉब्लम है। इसकी वजह से ड्राइव जहां ड्राइवें लगी होती हैं वो एक अलार्म जनरेट करती रहती है हमेशा, अलग अलग ड्राइवों के अलग अलग अलार्म के अलग अलग टाइप से, तो वो ब्रेक की कमांड को वहां पर जब ब्रेक की कमांड जाती है ड्राइव को, तो वो इस कमांड को बहुत ज्यादा फॉल्ट करती है। ज्यादा ब्रेक टाइट है तो वो जब भी बताएगी, कम है तो तब भी बताएगी, लेकिन आप एक स्थिति देख रहे हो कि जब भी आप लोड उठा रहे हो, लोड उठा रहे हैं, लोड भी स्लिप कर रहा है, मोटर भी हीट हो रही है, ब्रेक भी हीट हो रही है, धुआं निकल रहा है उससे, तो ये जो प्रॉब्लम आती है वो इस वजह से आती है। जैसे मैंने अभी ये लूज कर लिए, तीनों बोल्टों को बराबर मैंने लूज किया, लूज करने के बाद एक बोल्ट को मैंने, मेरे पास ना तो मैंने ये चेक किया कि गैप बराबर था, या ना मैंने ये भी अंदाज किया कि जब मैंने ये खोली थी उस टाइम पे एक राउंड एक दो राउंड, इसको मैंने दो ही राउंड लिए, बट इस वाले को मैंने एक राउंड दो तीन और चार, और इस वाले को मैंने एक ही राउंड लेके छोड़ दिए। अब उसमें क्या होगा, जो ये वाली प्लेट है अंदर वाली, ये इस तरीके से ट्विस्ट करेगी, यानी कि ये फ्रिक्शन प्लेट के यहां पे आएगा तो संपर्क में रहेगा हर वक्त, इससे हीट होगी और धुआं भी निकलेगा जब ये क्रेन चल रही है उस टाइम पे। ये वाला लूज हो गया ज्यादा, ये तीसरा जो था ये बिल्कुल प्रॉपर सही है, दूसरा वाला, तीसरा वाला ये बिल्कुल लूज हो गया, यहां पर टाइट है, ये वाला प्रॉपर है और ये वाला लूज है, तो ये फ्रिक्शन प्लेट इस तरीके से हो जाती है बेंड। जब ये बेंड होगी तो इस बोल्ट की वजह से तो हीट हो रही है, इस बोल्ट की वजह से वो लोड नहीं रोक पा रही है, क्योंकि प्लेट में स्प्रिंग लगी हुई है, जब लोड की जरूरत है तो वो इस तरीके से हो रही है, वो धीरे धीरे इस तरीके से होती है, हिलती है वो इस तरीके से, और लोड आपका नीचे भी आ रहा है, संपर्क में कंटिन्यूस संपर्क में बनी हुई है फ्रिक्शन प्लेट के में, ब्रेक लाइनर के संपर्क में कंटिन्यूस बनी हुई है इस बोल्ट की वजह से, तो उसकी वजह से ये हीट हो रही है। तो आप प्रॉब्लम आए तो आपको यही करना कि ये बोल्ट है सारे खोल लेने, जैसे लूज किए हुए हैं, ऐसे कोई गेज फिलर गेज हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर बाय द वे नहीं है तो कोई एक अपना स्टैंडर लें पेपर का और वो सभी में डाल के देखें बराबर, तीनों बोल्टों के पास, जिसमें ज्यादा गैप है, जिसमें कम है उसमें गैप बढ़ा दें, जिसमें ज्यादा गैप आ रहा है उसको कम कर दें। जब तीनों को आप बराबर फिर से सेटिंग करोगे
और फिर से टाइट कर दोगे तो ये समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी आपके। इस तरीके से ये डीसी डिस्क ब्रेक की सेटिंग होती है सर, और इसके जो असेंबल माउंटिंग करते वो इस तरीके से होता है। कोई क्वेश्चन सर? सर ये एडिशनल ब्रेक है क्या सर? थ्रस्टर के साथ एडिशनल ब्रेक है? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि एडिशनल ब्रेक है। थ्रस्टर ब्रेक भी यूज कर सकते हैं, डीसी डिस्क ब्रेक भी अलग से यूज होती है। इट्स अ सेपरेट अल्टरनेट ब्रेक सर, दोनों में से कोई भी एक ब्रेक यूज कर सकते हैं। ऊपर अभी आपको एक लिंक दिया गया है कि दोनों में से किस ब्रेक के साथ आप जाना चाहते हैं, वो आपको सिलेक्शन करने में हेल्प करेगा यदि आप उसको गो थ्रू करते हैं तो। मैनुअल बेटर है सर? सॉरी सर, सर मैनुअल बेटर है सर? सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू विच ब्रेक इज बेटर सर? बोथ ऑफ दी ब्रेक जो है वो अपने एंड पे बेटर है। बाकी जिस ब्रेक को भी आप देख पा रहे हैं ये डीसी डिस्क ब्रेक है और ये मोटर के पीछे कंसेंट्रिक लगता है, कॉम्पैक्ट रहता है और क्विकली अप्लाई होता है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। बट कुछ एप्लीकेशंस को पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब ध्यान में रखते हुए अगर वर्क किया जाए, यदि हम बहुत बल्की आइटम उठा रहे हैं बहुत ज्यादा है, हैवी वेट है, तो ऐसे में जो डिले टाइम है वो इंक्रीज करना होता है, तो उन जगहों पर हम कर सकते हैं ब्रेक को भी, लेकिन वहां पर हमको डिले टाइम इंक्रीज करना होता है। जो भी थोड़े पहले आपको मिस्टर विजेंद्र ने बताया था एक्सीलरेशन एंड डीएक्सीलरेशन टाइम। सर बस जब क्वेश्चन पूछना हो तभी आप लोग म्यूट अनम्यूट करें अपने आप को, बहुत ही नॉइज हो रही है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज अनम्यूट व्हेन यू रिक्वायर्ड टू आस्क क्वेश्चन, और एक एक करके क्वेश्चन पूछे। बहुत ही अच्छा सेशन रहा और सारी आंसर बताएंगे विजेंद्र जी और हमारे अरविंद सर जी। विजेंद्र जी, जी सर, अगर उस लीवर को हम खींच के अगर फिर भी अगर रिलीज नहीं हो रहा है तो मतलब ज्यादा टाइट हो गया है क्या ब्रेक? अगर इस हैंडल को आप खींच रहे हो तो इससे अगर ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा है तो? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सर। एक चीज मैंने बताना सेव किया था कि बताएंगे तभी जब क्वेश्चन आएगा या फिर मैं लास्ट में ही बताऊंगा। ये तीन बोल्टों के बाद में छोटा सा बोल्ट देख रहे हो सर, मैं आप खोल के दिखा देता हूं इसको। जब भी आपकी ब्रेक रिलीज नहीं हो पाती है इस हैंडल को खींचने के बाद, तो आपको क्या करना है, ये दो छोटे छोटे जो बोल्ट होते हैं, ये दो छोटे छोटे यहां पे बोल्ट लगे हुए हैं ये वाले, इनके अंदर जब गैप कम होता है, ये वाले बोल्ट जब ज्यादा टाइट होते हैं तो इसका महत्व तो नहीं होता फिर इसका। जब आपकी इससे अगर नहीं खिंच रही है तो यहां पे आप छोटा स्पेनर यूज करें इस तरीके से और इसको लूज कर दें। जब यहाँ पे गैप बनेगा तो ये काम करेगा इस तरीके से। ओके सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके बाद जैसे और कोई क्वेश्चन सर? हेलो सर, हेलो बोलिए सर। हाँ सर, या भी डिस्क ब्रेक में आपने बताया मैनुअली रिलीज का, जैसा अपना नॉर्मली थ्रस्टर है उसमें भी पावर फेलियर हो जाता है, वो वक्त तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा थ्रस्टर उठा लेते हैं और लोड को नीचे लेते हैं, लेकिन टेक्निकली कुछ और है क्या उसके लिए आपके पास? सर थ्रस्टर ब्रेक में वही है, अगर आपका किसी पावर फेलियर है या थ्रस्टर मोटर जल गई है या कोई भी है तो वो मैनुअली आप पीछे से उठाइए वो सेफ ही होता है। वही है ना, वही पूछना था बस। जी जी जी, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर वन स्मॉल क्वेश्चन सर। जी बोलिए सर। सर ब्रेक फॉर लॉन्ग ट्रैवल एंड क्रॉस ट्रैवल मोटर इन ट्रेन्स शुड बी फिक्स द 100% ब्रेक सर? 100% ब्रेक लगनी है सर उसमें, लॉन्ग ट्रैवल हो या क्रॉस ट्रैवल या अप डाउन। सर फॉर द सिंगल गटर क्रेन्स और इलेक्ट्रिक वायर ऑफ हॉइस्ट एज पर आई एस, वहाँ पर आपका स्पीड के साथ रिलेट क्या हुआ, इट इज रिलेटेड विद द स्पीड एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन द परचेजर रिक्वायरमेंट, इफ दे वॉन्ट दे कैन इग्नोर इट, बट
for the single girder cranes and for the electric hoist up to 32 meter per minute speed, brake is against purchaser choice. It can be avoided for the CT NLT. No, while going with the load, no, is brake is on at least 80 to 90%. The stringing is happen, no. How to avoid the stringing? Are you just want to highlight the rating of the brakes, brake or other thing? I think so. We are going on the wrong track. Can you elaborate your question? Clarification. Just yeah. The LT and CT brake should be 100% or any standard specifications are there. We can't fix the 100% brake in LT. Arvind sir. Yes, sir. SSC sahab hain. Ji. पुराने क्रेन में पहले क्या था, अभी तो वीएफ भी आया है ना, पहले अगर हार्ड ब्रेक टाइट कर देते थे एलटी में, खासकर वो क्लारीफाई करना चाह रहे हैं जी, हार्ड ब्रेक तो वही रुक जाएगा, लोड जो है ना वो स्विंग करना शुरू करेगा, फिर जाकर कहीं हिट करेगा। सर वही वही हम कहना चाह रहे थे कि यदि जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, इंग्लिश में बता दीजिए जी, जस्ट आई जस्ट वांट टू से दैट इन केस ऑफ द बल्की और द हैवी वेट, व्हेनेवर द स्पीड इज हायर साइड, then in that case we have to consider the brake with the delay timer, and that in that case we have to increase the declaration time to avoid this particular swing. If the brake will be applied suddenly and quickly, in that case that swing may increase. To avoid or to decrease that particular swing value, we have to increase the deacceleration and the acceleration time. Acceleration, deceleration in VFD, sir. Not, what about in conventional crane? Conventional crane, we are facing more than very long travel. Sir? Sorry, sir. Conventional crane, non-VFD. For the conventional crane, delay timer. Sir, delay timer can be used. Sir, please unmute yourself. Hello. Yes, sir. Sir, normally our factory practice is by stopping the crane with the reversing the LT motion. That is the very bad practice, sir. If you don't mind, I just want to share with yourself. If you will review the all maintenance of the railway, COFMO, you will found that more than 90% your maintenance is related with the long travel only. Yes. And it is just because of this particular practice. Now it happens. How to avoid that, conventional. Actually, it is the just very bad practice by your operators. They just going in the forward direction just to stop on their desired position, they are just using the reversing yes. That crane, and this is a totally wrong practice. They are actually bypassing the brake mechanism, they are not using that particular brake mechanism. In fact, whenever the crane in the forward direction and you are using the reversing, in that case that swing will be in the highest mode. Yeah, at that time the brake, initial brake torque, it can be more than 275%. In that case, 275% torque will be applied immediately. Yeah. So in that case, that particular machinery, all over the machinery, from the motor to wheel, motor shaft, input pinion, internal gears, keys, bearings, floating shaft, coupling, Excel, all these things, those are under 275% load, and whatever the most inferior thing can damage in this particular practice. And yeah, for your kind of information, no manufacturer is designing the equipment for the 275% load. Oh. So in that case, we are indirectly inviting the problems. Yeah. So this is a very wrong practice, and I just want to request all of the
COFMO employees and their operators or the supervisors that they avoid this particular one. And it will be better if they are facing any problem due to the brake mechanism, then they can contact the manufacturer of the crane. So that the thruster motor is fixed with the top and bottom only, no? Sorry, no, sir. Thruster motor in the railway in present, thruster motor is applicable for the all of the motions. No, I want to ask you that fixing diamond, fixing practices is only top and bottom only. Some plunger pin and guide pin only they are providing. Is it? Sorry? That fixing of thruster motor with some guide pin only, no? No, sir. Fixing of the thruster is on the brake drum actually, and that brake drum. No, motor, sir. I am telling about motor. Thruster motor is fixed with the assembly. Mounting. Yes, it is with the pin, and it is a proven practice by the manufacturers. Very, very average fixing only, sir. Many times it is came out from the fixing. If you will check, and you will found that. Hello. For example, if we are considering 80 kg motor. If we are considering 18 kg thruster, in that case only 18 kg load will be there. And if you will check any particular item, integral item of that particular mounting is very much enough to carry the 18 kg load. If in any case. We are facing the problem that anything is damaging in the element of the brake, or we are not using that particular brake in the recommended condition by the manufacturer. Yes, you may be correct, sir. Because we are standard practice of using is a problem. Actually, any machinery is dependent upon the operation, how we will operate it. If we are not operating it properly, in that case, definitely we will face the problems. It is not just bounded with the crane. It is universally truth, and it is applicable for the all machineries. If we will respect the machine, Thank you, sir. We will operate it better, it will give us a very maintenance-free and a long life. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Vijender, please continue. Ji, sir. Aage koi question hai, sir? Hello. Ji, boliye, sir. Hello. Oye, aayo. Hello. Ji, boliye, sir. Awaaz aa rahi hai. सर जी, ये जो पहले थ्रस्टर वाले ब्रेक हैं, उसके अंदर से मोटर जल गई थी, उसको दोबारा वाइंडिंग करके हम चला सकते हैं? चला सकते हैं सर। लाओ, दोबारा वाइंडिंग करा के चला सकते हैं जी? हो जाती है सर, वाइंडिंग है। हाँ जी। हेलो सर। अच्छा, ये ट्रेनिंग आप अपने पास वहां बुला करते हो तो हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। अच्छा विजेंद्र जी, जी बोले सर। अच्छा, मैं क्या बोलूं, अगर सपोज आप कभी कभी किसी क्रेन में आप दो दो ब्रेक लगाते हैं, एक थ्रस्टर ब्रेक भी लगाते हो, फिर डीसीएम ब्रेक भी लगाते हो, ऐसा क्यों होता है, डबल क्यों लगाते हैं? सर वो सेफ्टी परपज से लगाते हैं। अच्छा सर, मैं अरविंद ब्रेक के बारे में आपको क्लियर करना चाहूंगा सर। पर्टिकुलर नंबर ऑफ ब्रेक्स का सिलेक्शन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन एंड द क्लाइंट रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। कुछ जगहों पर क्लाइंट की अपनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बाउंड करती है हमें नंबर ऑफ ब्रेक्स अप्लाइड करने के लिए। एंड इसके साथ साथ आईएस जिसको हम यूज कर रहे हैं, वो आईएस भी जो है हमको हॉइस्टिंग मोशन के लिए सिंगल और डबल ब्रेक के साथ परमिट करता है। हॉइस्टिंग एप्लीकेशन के लिए दो ब्रेक के साथ जाने के लिए, वेयर एवर वी आर यूजिंग मल्टीपल ब्रेक्स, इट इज कनेक्टेड विद द परचेजर रिक्वायरमेंट ओनली। Okay, as per IS 4137 or IS 3177, both. We can go with the single brake only, and for the brake factor, it is already defined over there. Okay. However, for the safer side, for the hoisting motion, in generally all of the manufacturer for the high rating of the cranes, they are using double brakes, and for the CT and LT, they are mostly using single brake. Thruster brake mostly. It may be single and the DC disc brake. Okay.
ओके ओके थैंक्स वेलकम सर जी आगे बढ़े सर हेलो जी सर जी ये ट्रेनिंग आप अपने पास वहां पर ला कर नहीं दे सकते जी उससे ज्यादा समझ में आता जी सर अरविंद बात कर रहा हूँ सर ये पर्टिकुलर ही है हम इसको पिछले 4 साल से इस ट्रेनिंग सेशन को फिजिकली ही कर रहे थे लेकिन आज के समय को देखते हुए कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इसको वर्चुअली किया गया है हमारे नई दिल्ली से कोई भी नहीं गया जी पिछले 4 साल में जी सर इट में भी कि शायद आपका कनेक्ट नहीं हुआ होगा अदरवाइज हम लोग हर साल इनविटेशन जो है पास ऑन करते हैं कॉफमो के थ्रू रेलवे कॉफमो के थ्रू सर जी नई दिल्ली से तो कोई नहीं आया 4-6 साल हो गए मुझे वहां लगे हुए सर हो सकता है आप तक सर बात नहीं पहुंची हो एंड नेक्स्ट टाइम जब पहुंची है जी जो भी फिजिकल होता है सर हम उसमें आपको दोबारा से इंश्योर करेंगे कि आप अपना नंबर शेयर करें इंश्योर करेंगे सर आप स्किप ना हो नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने नाम और नंबर सब शेयर किया हुआ जी जी बिल्कुल सर हम इंश्योर करेंगे आगे के लिए सर स्किप ना हो आज का मेट्रो बहुत बढ़िया रहा सर बहुत ब्रेक सेफ्टी आइटम थैंक यू सर मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग जो है फीडबैक प्रोवाइड करें हमने कहां गलत किया कहां पे सही किया सो दैट की सही चीजों को कंटिन्यू रखा जा सके और जहां गलत है हम उसको इम्प्रूव करेंगे नहीं बहुत अच्छा लगा सर है ना थैंक यू सर सर ये डिस्क ब्रेक में जब सप्लाई देते हैं उसमें रिलीज होता है सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर डीसी डिस्क ब्रेक में जब सप्लाई देते हैं तो ब्रेक एप्लीकेशन होता है ना रिलीज होता है डीसी डिस्क ब्रेक में जब हम सप्लाई देते हैं तो सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर एक बार सर मैं सिकंदराबाद से बात कर रहा हूँ जी जी बोलिए सर सर हमारा ड्राइव एमएच का ड्राइवर जल गई थी जी उससे मैनुअल कांटाउट से ड्राइव चला रहे थे सर ऐसा लेकिन ऐसा चला सकते नहीं चला सकते अगर आपकी ड्राइव जल गई है तो बाईपास किया आपने सर सर एक बार क्वेश्चन प्रॉपर्ली रिपीट करें दोबारा से प्लीज सर एमएच का ड्राइव जल गई थी वो प्लेस में कांटाक्ट जैसा मैनुअली चला रहे थे वैसा चला सकते नहीं चला सकते जी सर चला सकते हैं सर आपका कहना है अगर ड्राइव जल जाए तो हम कॉन्ट्रैक्टर लगा के चला सकते हैं या नहीं चला सकते यस सर बिल्कुल चला सकते हैं सर लेकिन ब्रेक का प्रॉब्लम आ रहा ना सर ब्रेक का प्रॉब्लम आ रहा था यस सर थ्रस्टर ब्रेक थी डिस्क ब्रेक थी थ्रस्टर ब्रेकर से सो डाउन डायरेक्शन में वेट लिया तो रुक रहा नहीं सब ऑटोमेटिक डाउन हो जा रहा कंप्लीटली मतलब ब्रेक के साथ कॉन्टैक्टर नहीं था यस कांटेक्ट है सर लेकिन ब्रेक बराबर नहीं ले रही थी डाउन में डाउन अप डायरेक्शन में ले रहा डाउन डायरेक्शन में क्या हो रहा था पूरा छोड़ दे रहा ब्रेक छोड़ रहा सर उसके साथ में जब आपने कॉन्ट्रैक्टर चेंज किया था उसके साथ रेस्टेंस चेंज किया था सर चेंज करा सर चेंज करा लेकिन ओवर वोल्टेज ही डिफरेंट आ गया टाइमर का प्रॉब्लम आ रहा सर बार बार वही प्रॉब्लम आ रहा सर देखिए अगर आप अप कंडीशन में ले रहे हो वहां पे ब्रेक लग रही है डाउन कंडीशन में जब हम डाउन करते हैं तो वो जब अगर लोड आपका नीचे ही आ रहा है तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस भी होता है रेजिस्टेंस आपने हो सकता है ड्राइव के साथ जो रेजिस्टेंस था वो ही आपने रहने दिया होगा सो अभी क्वेश्चन ब्रेक के ऊपर एक ब्रेक हमारी और बची हुई है जिसके ऊपर विजेंदर जी अभी डिस्कस करेंगे डीसी सू टाइप ब्रेक हमारे पास टाइम बहुत ही कम है आज के सेशन के लिए सो बेटर है कि विजेंदर जी आप उसको कंप्लीट करें और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का लास्ट सेशन रखेंगे जिसमें अगर किसी की कुछ क्वेश्चन रह जाती है उसको हम डिस्कस कर लेंगे और बेटर है कि आप लोग अगर अपनी क्वेश्चन को चैट बॉक्स में पुट करें राइट डाउन करें तो फिर हम उस क्वेश्चन आंसर को आपको रिपीट जरूर उसकी रिप्लाई करेंगे और उसका आंसर हम जरूर देंगे आपको सेटिस्फाइड करने के लिए ओके कंटिन्यू कीजिए विजेंदर जी अभी स्क्रीन आ रही है सर अभी हाँ जी विजेंदर जी हाँ जी एक स्क्रीन पे मैंने ब्रेक दिखाई हुई है एक फोटो है ब्रेक का
ये डीसीएम ब्रेक होती है, ये जो डीसीएम ब्रेक है इसको भी डीसी पावर की ही रिक्वायरमेंट है। ये डीसी का जो ये मैं यहाँ पे कर्सर दिखा रहा हूँ, ये डीसी की ये कॉइल है, जैसे अभी हम ये वाली ब्रेक देख रहे थे इसमें ये कॉइल थी, ऐसे ही सेम कॉइल है इसके अंदर 230 वोल्ट। इसको पहली वाली जो ब्रेक दिखाई थी वो उसको 190 वोल्ट की आवश्यकता थी, इसको 230 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। इस ब्रेक की सेटिंग में लगभग थ्रस्टर ब्रेक और डिस्क ब्रेक से मिली जुली जो ब्रेक है वो ये है डीसीएम ब्रेक। इसमें जो इम्पोर्टेंट देखने को जो यहाँ से मिलता है, ये जब हम ब्रेक को कमांड देते हैं तो ये खुलती कैसे, जो ये यहाँ पे ये कवर देख रहे हो इस जगह से, ये वाला हिस्सा है, ये इस तरह से ये इसका जो कवर है, ये मैग्नेट है यहाँ पे, इस मैग्नेट को कवर किया हुआ है। एक और मैं फोटो दिखाता हूं, देख पा रहे हैं सर? नहीं, वन एक बार फिर से ओपन कर ले, दिखाई नहीं दे रही है। आप दिख रहा है सर? हाँ जी दिख रहा है, कंटिन्यू कीजिए। इसमें दोनों ही चीजें मैंने अलग से दिखा दी हैं, ये मैग्नेट हो गया, ये आपकी पूरी ब्रेक की असेंबली हो गई। इसमें क्या रहता है, जैसे ये शू था सेम उसी तरीके से यहाँ पे बोल्ट लगे हुए हैं पीछे की तरफ, एडजस्ट करने के लिए यहाँ भी लगे हुए हैं और इधर भी लगे हुए हैं। ये शू ज्यादा टाइट, ये ज्यादा घिस रहा है या ये ज्यादा घिस रहा है, जैसे हम थ्रस्टर ब्रेक में देख रहे थे वो ही सेम कंडीशन है। अगर एक ही शू आपका नीचे से या ऊपर से जल्दी घिस रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पे वही एडजस्ट बोल्ट लगे हुए हैं कि नीचे वाले को हल्का सा आपको सेट करना है, और ये भी बंदी कंडीशन पे है, जब बंद है आपकी क्रेन उसी कंडीशन पे इसको भी सेट करना है। तीसरा, ये जो आपका स्टड है ये वाला, वो भी सेम ही है, जब आप इन तीन यहां से और ये वाले बोल्ट जो सूखे जो बोल्ट है, एक यहाँ पे लगा हुआ है एक यहाँ पे लगा हुआ है, इनको आप बंद कंडीशन में लूज करेंगे। सबसे पहले ये रॉड टाइट करनी है, रॉड टाइट करने के बाद जो एडजस्ट वाले बोल्ट है इनको आपको एडजस्ट करना है यहाँ पे, और एडजस्ट करने के बाद अब बात आती है ब्रेक खुलने की और बंद होने की। जब ये सब प्रोसेसिंग हो जाती है तो इसमें एक सेंटर में यहाँ पे एक बोल्ट दिया हुआ है, ये वाला देखिए, ये इसका एक इम्पोर्टेंट है। इस वाली ब्रेक का सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है वो ये वाला रहता है। हमने उस वाली ब्रेक में कितना खुल रहा है कितना गैप हो रहा है तो ये अपने एक सेंटर वाले स्टड पे डिपेंड कर रहा था यहाँ पे, और लोड के हिसाब से कितनी जल्दी बंद करनी है क्लोज करनी है वो स्प्रिंग पे डिपेंड था। लेकिन इस वाली ब्रेक का डीसीएम ब्रेक में सिर्फ ये रहता है यहाँ पे, इस बोल्ट जब ये खुलती है तो ये जो ऊपर वाला है ये मैग्नेट इसे पावर छोड़ता है, ऐसे छोड़ता है, यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है इसको ऐसे खोल देती है। जैसे ये खुलता है, जैसे पावर हम देते हैं, जैसे मैग्नेट अपना चुंबक जो बनाता है वो खोल देता है, खोलने के बाद ये जो कवर है कवर ऐसे बाहर की तरफ खुलता है, पावर जाते यहाँ पे क्या इस जगह पे गैप जनरेट करता है यहाँ पे इस जगह पे। अब ये डिपेंड करता है गैप कितना mm, जैसे एग्जांपल के लिए आपकी ब्रेक सेट कर रहे हो आप, आपका लोड बार बार ऊपर नीचे जा रहा है, लोड उठाया स्लिप कर रहा है, लोड उठाया स्लिप कर रहा है, तो आपको इस सेटिंग से कुछ नहीं छिड़ना है, सिर्फ आप एक तो ये वाला जो बोल्ट होता है इसको हल्का हल्का आप टाइट करके सेट करते हुए जा सकते हो, और दूसरा जो ये यहाँ पे जो गैप बनता है इस जगह पे, वो जो गैप को मेंटेन करने के लिए ये जहाँ पीछे छोटा सा स्क्रू देख रहे हो, ये बोल्ट देख रहे हो इधर जहां मैं कर्सर दिखा रहा हूं, ये इसका मैग्नेट बनाता है, ये गैप को क्लियर करता है। जो गैप आपका दिखता है कितना गैप आपका खुल रहा है कम हो रहा है वो इस पे डिपेंड करता है, और ये बहुत कम है, ऐसा नहीं कि इसका पूरा नट का एक राउंड होता है, आप नट को बहुत हल्का हल्का आप घुमाओगे हल्का हल्का उसी पे ही ये ब्रेक सेट होती है। बात ये है डीसीएम ब्रेक यूज करने की, ये बहुत जल्दी पिक करती है और बहुत जल्दी खुलती है बस। दूसरा ये मैग्नेट होता है, वो यहाँ पे दो कनेक्शन दिए हुए हैं, एक इधर है प्लस का एक माइनस का दिया होता है, यहाँ पे टाइट करते हैं जैसे इसे पावर देते हैं ये खुलती है और बंद होती है। सेम लगभग दोनों ब्रेकों का मैक्स है ये डीसीएम ब्रेक होती है। सेम पार्ट ऑफ ए नेम सर जी ये डीसी ब्रेक और डीसीएम ब्रेक ये दोनों में क्या डिफरेंस हुआ है? ये सू टाइप ब्रेक होती है,
उसमें एक लाइनर था, लाइनिंग थी डीसी ब्रेक में, इसमें शू है, मतलब ये थ्रस्टर ब्रेक की तरह शू लगे हुए हैं इसमें, मतलब ड्रम लगा हुआ है। ओके, एंड ये जो आप बोले 230 वोल्ट, इसमें डीसी देना है या एसी देना है? डीसी देना है सर, डीसी देना है। चलो ठीक, थैंक यू सर। इसका मतलब इसका ड्राइव्स का जरूरत नहीं है सर, यू कैन यूज इट विदाउट ड्राइव्स आल्सो, विदाउट ड्राइव भी यूज कर सकते हैं सर, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं हम थ्रस्टर को, इसको इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा थ्रस्टर के साथ? नहीं नहीं, वो उसमें सर माउंटिंग वाली बात रहती है ना, जैसे आपकी पुरानी क्रेन चल रही है, पुरानी क्रेन की माउंटिंग में जो थ्रस्टर लगा हुआ है उसकी माउंटिंग अलग है, इसकी माउंटिंग अलग है, तो वो माउंटिंग की एक बात होती है, बाकी का आप रिप्लेस कर सकते हो अलग रेक्टिफायर लगा के और ब्रेक लगा के आप लगा सकते हो। हाँ, ये एक बार सेटिंग करके लगा दिया तो अच्छा है ना सर, दोनों ब्रेक काम में आ जाता है। बिल्कुल सर, तो इट मस्ट बी कॉस्टलियर देन ऑल अदर ब्रेक्स? जी इसकी कॉस्ट अरविंद सर, अभी सर अभी हम जो ब्रेक सामने देख रहे हैं ये डीसी ईएम शू टाइप ब्रेक थी, इससे पहले जो विजेंद्र ने बताई है आपको, जो सामने आप पिक्चर में देख पा रहे हैं विजेंद्र के साथ, इस ब्रेक है, और उससे पहले उन्होंने आपको थ्रस्टर ब्रेक बताई थी। क्रेन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती है। सर आपकी वॉल्यूम थोड़ी लो है, सर आवाज कम आ रही है आपकी। जी मैं कहना चाह रहा था ये तीन टाइप के ब्रेक इन जनरली क्रेन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। तो जो अभी लास्ट में सबसे ब्रेक दिखाई गई है आपको विजेंद्र के थ्रू, डीसीएम शू टाइप ब्रेक, ये ब्रेक मेजरली ये ब्रेक स्टील प्लांट्स में यूज की जाती है, स्टील इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है। और इस ब्रेक की कॉस्ट के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा इसकी कॉस्ट जो है दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिफर करती है, बहुत ज्यादा। एक ब्रेक की कॉस्ट लगभग मैं जस्ट टेंटेटिव बता रहा हूँ आपको, लगभग 1.5 लाख पर ब्रेक का कॉस्ट आता है, पर ब्रेक अ सिंगल ब्रेक 1.5 लाख अप्रोक्स कॉस्ट मैं आपको जस्ट शेयर कर रहा हूँ, बट इट मे बी वेरी बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरर, बट इस क्रेन का सिलेक्शन ज्यादातर स्टील प्लांट्स में किया जाता है। हावेवर थ्रस्टर ब्रेक्स और जो डिस्क ब्रेक हैं ये जनरली ज्यादा यूज होती हैं क्रेन इंडस्ट्री में, और इनका जो ओवरऑल रिजल्ट है दोनों का ही वो काफी अच्छा भी रहता है, और उसकी वजह से कॉस्ट भी जो है ज्यादा नहीं रहती है। जी इसके अलावा कोई क्वेश्चन सर? अच्छा सर एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, एलटी और सीटी में आप बोल रहे कि हमेशा रिवर्स मारता है ड्राइवर जो कि बैड प्रैक्टिस है, तो क्या इसको रोकने के लिए और कोई टेक्नोलॉजी है क्या कि मतलब उसको लगा दें तो रिवर्स मारे तो क्रेन बंद हो जाए या फिर मतलब रिवर्स लगे ही ना, ऐसा कुछ? सर एक्चुअली इन सब चीजों को इंश्योर करने के लिए हम एक दो बार कोफमो के साथ वर्किंग कर चुके हैं। अल्टीमेटली होता क्या है कि रेलवे इटसेल्फ जो है वो भी सर काफी अच्छी इंजीनियरिंग जानते हैं, तो होता क्या है कि इंजीनियरिंग वो अपनी अप्लाई कर देते हैं उसको बाईपास कर देते हैं, तो अल्टीमेटली प्रैक्टिस में नहीं रह पाता। मैक्सिमम हम दो तीन जगहों पर उसको जो अप्लाई करने की कोशिश कर चुके हैं, बट रेलवे अपनी प्रैक्टिस में उसको लाता नहीं है। एक्चुअली सर हैबिट्स बनने और बिगाड़ने दोनों में टाइम लगता है, तो अभी जो हैबिट्स हैं कोफमो की एक ऑलमोस्ट पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक हैबिट ये बन चुकी है, तो इसको अवॉइड करने के लिए कहीं ना कहीं इनिशिएटिव्स जो हैं वो ऑपरेटर लेवल और सुपरवाइजर लेवल से लेने होंगे। यदि वो अपनी जगह पर स्टिक रहते हैं कि हमने प्रैक्टिस अपनानी ही नहीं है तो ही इसको अवॉइड किया जा सकता है, और उसके बाद क्रेन मैन्युफैक्चरर हेल्प कर सकता है, जो आप अपनी बात कर रहे हैं इंटरलॉकिंग वहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की, उसके बाद वो इंटरलॉकिंग बेनिफिशियल होंगी, अगर हम उसको बाईपास करते हैं तो कोई मीनिंग नहीं है सर। सर ये बीएफडी ड्राइव जो है ना अभी आया है, 6-7 साल पहले जो मैनुअल क्रेन था पूरा हम लोग मैकेनिकल पे ही डिपेंड करते थे, तो सर एक्चुअली बीएफडी ड्राइव जो है आज की डेट में बहुत अच्छे से ट्रेंड कर रही है। इनफैक्ट जो पिछली आप क्रेन्स देखेंगे वो स्लिपिंग मोटर्स के साथ हुआ करती थी और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा होती थी। जी वो लोग जो क्वेश्चन इशू हुए ना वो पुराने क्रेन के बारे में ही इशू हुए थे, क्योंकि उसमें बीएफडी नहीं है, अब फुली वो मैकेनिकल डिवाइस पे ही डिपेंड है। वो बात कर रहे थे वो पुराना क्रेन जिसमें वीएफडी लगा हुआ नहीं है, वो रिवर्स मारते थे, वो पुरानी क्रेन में ये आदत है।
बट सर वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। अभी की क्रेन में वीवीएफ ड्राइव लगा लीजिए, जो पुरानी क्रेन है उसमें वीवीएफ ड्राइव लगवा लीजिए। अच्छा हाँ, सब एकदम यही मैकेनिज्म है, सबसे बढ़िया क्रेन का लाइफ भी इंक्रीज होगा और बेटर रहेगा सब। सर वो कितना तक होता है सर? छोटा सा बात है सर, गाड़ी को चलाते वक्त कभी भी रिवर्स गियर में थोड़ा ना उसको रोकते हैं। हाँ सर, हाँ सर, सर जी वो कितना होता है सर, वीवी ड्राइव का कितना होता है सर अमाउंट अप्रोक्सीमेटली? सर दैट डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ किलोवाट ड्राइव का, किलोवाट एंड मोटर का किलोवाट। इट विल वेरी सर क्रेन टू क्रेन सर, इट विल वेरी क्रेन टू क्रेन। ओके ओके जी, नहीं अप्रोक्सीमेटली 2 लाख 1 लाख ऐसा होता नहीं सर, इसीलिए वो मतलब रेकमेंड करने के लिए थोड़ा लिमिट तो मालूम होना चाहिए ना सर। कांट से सर, बट जस्ट इन द टेंटेटिव इट मे वेरी 5 टू 15 लाख। बाप रे, 25 टन का सर, 25 टन का है सर हमारा। सर इसमें क्या, सर इसमें क्या रहता है, मैं एग्जांपल ही बता रहा हूं आपको। एक अगर 10 किलोवाट की 10 किलोवाट तक आप ड्राइव यूज कर रहे हो तो करीब 50 से 60000 के समथिंग रहता है। पैनल ऐसा नहीं कि पूरा पैनल ही अलग हटाना है, आप ड्राइव के उसी में कॉन्ट्रेक्टरों को हटा करके ड्राइव लगानी है और रिले एडिशनल लगानी है जो स्पीड देंगे आपको स्लो और फास्ट की। ओके ओके सर। हेलो सर जी। जी सर, मैं देवेंद्र कुमार सर जोधपुर से बोल रहा हूँ, एसएससी पावर। जी बोलिए सर। मैं कह रहा था कि जो अभी बीएफडी जो कन्वेंशनल वाले जो पुराने वाले हैं ना क्रेन जी, उसको बीएफडी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है? बिल्कुल हो जाएंगे सर। तो उसके लिए मतलब मैंने कितने खर्च पड़ेंगे? 50 सर, मैंने अभी एक बर्बली आइडिया दिया था आपको, अगर आपकी 10 किलोवाट तक की है तो 50 से 60000 के बीच में तो करीब आपके ड्राइव की कॉस्ट आएगी। सर सर एक सेकंड विजेंद्र, मैं सर शेयर करना चाहूंगा आपसे, ये पर्टिकुलर जो आप कॉस्ट आप जानना चाह रहे हैं ये टोटली डिफर करती है क्रेन टू क्रेन। सेम कैपेसिटी की क्रेन में ही जो कॉस्ट है वो आपकी 2-4 लाख से लेके वो 15-20 लाख के बीच वरी कर सकती है। इट विल डिपेंड दैट कि आपकी क्रेन की स्पीड्स क्या है, उनकी क्लास ऑफ ड्यूटी क्या है, उनकी वजह से जो उनके इंटरनल सिलेक्शन है मोटर वगैरह के वो चेंज हो जाते हैं। लिफ्ट आप कुछ भी कर सकते हैं, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, बट क्रेन की जो ओवरऑल डिटेल है वो आपको शेयर करनी होगी। यदि आप उनको शेयर कर पाते हैं तो एक आपको सही क्लैरिटी दे पाएंगे। मेरे साथ मेरे पास सर 11 क्रेन है, 11 क्रेन को मैं करना चाहता हूँ बीएफडी बेस्ड। जी सर, मैं सर आपको एक ईमेल आईडी जिस मैसेज में टेक्स्ट कर रहा हूँ, आप उस पर अपनी रिक्वायरमेंट रेज कर दीजिए, हम आपको उस पर जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको उधर एंटरटेन करते हैं सर। मैं अपना ईमेल आईडी भेजूं? जी सर, मैंने टेक्स्ट कर दिया सर आपको। एक मेल आईडी अभी जस्ट भेज दी है सर। ठीक जी, सर जनरल डाउट सर, नॉट रिगार्डिंग थ्रस्टर मोटर। ओके सर, दैट ग्रेविटी लिमिट वी आर प्रोवाइडिंग नाउ फॉर हॉइस्टिंग। यस सर, ग्रेविटी लिमिट स्विच। यस सर, वी हैव प्रोवाइड। सर अदर देन दिस एनी, व्हाट इज द क्वेरी? एनी other than the gravity limit and primary limit, hoist limit, any safety other thing, anything available? Because both are that gravity limit is very very rare to operate, no? So two times failure and occurrence in ICF. So other than this, any mechanically that time that overshooting of limit, anything sir, available in market? Sir, if I can understand, you are saying that two times your gravity limit is not functioning. Yeah. In that case, I can understand that we are not conducting our routine checkups. So if we routine checkup, just operating the limit switch, no? We have to check that my all limit switches are functioning well or not at a regular interval. If we are not performing that, it may be there may be many reasons behind it.
Okay. After that the incident, we are doing. However, this particular gravity, limit switch is a secondary provision, second provision. Before that, yeah, rotary limit switch limit. Is there, which is before that rotary limit switch is there, which is providing a protection for the overhoisting or overloading. It means your overhoisting particular protection by the rotary limit switch, it is also bypassed. And after that, gravity limit switch is not functioning. So the first thing is that why your first limit switch is not working. And after that, your second limit switch also is not working. In that case, you have to check that why this particular situation is there. Sir, in generally, gravity limit switch is a treated as an emergency switch. In that case, your all particular operations will be stuck. Machine will be totally off. Total crane should be off. Okay. Yeah. But both the primary. If this situation is not occurring, in that case, there is a skip, and we have to find out that particular skip. Otherwise, we are indirectly inviting a major accidental situations. Yes, sir. This primary limit, hoisting up limit and gravity limit is very rarely using. No, only we are doing unless we are the PMNL. Sir, rotary limit switch is your first limit switch, which is protecting ensuring your overloading or overhoisting in both of the direction. It is protecting. Yes, as you are saying, gravity limit switch is not functioning. It means rotary limit switch is also bypassed. Not bypassed. Either that limit switch is also not working at that time. It means not bypassing failure because very means, that means, both means, limit... means you are saying both of the limit switch was failed at that time. Yeah, failed. And it because... is faced by yourself two times. Yeah. So in that case, it is a serious situation, sir. Any other mechanism is available plus gravity limit in the market mechanically. Arvind ji, wo extra kuch puch rahe hain, matlab extra safety. I can understand, sir. For the any other provision, we can go for that. In fact, this particular gravity limit switch is a additional feature. To provide the protection on the overhoisting. But if the both of the limit switches are not working, I think though it is more serious issue that you have to check that why both of the limit switches are not working. Instead of that, we are going to go for the another additional feature for the protection. No, sir. We are checking. We are at a regular period. We are checking PMNL periodical maintenance. We are doing. But occasionally, some occasion, because this primary limit or the driver not using the hoist for the primary limit regularly, no. So while lifting the load, some level only they are using. So during PMNL only that limit got under checking. So it failure may occur, no, any time, no. Sir, you are very true that in generally crane are not used in those limits. But for that, we have to check once on a particular period that the both of the limit switches, all of the limit switches for the cross travel hoisting, everything is working or not. In fact, in my second session, I have already told that it is my prime requirement that I will check that all limit switches and all my push buttons are working fine or not before operating my crane, and it is the daily basis requirement. If any limit switch is not working, then it is a criminal offense, and indirectly we are inviting a situation which is not in favor of anyone. Yeah. So that's why, sir, it is a prime requirement. We cannot justify it. Yeah. Yeah. I'm asking any other alternative, that any laser or some other limit switches available in parallel with gravity. Sir, many other limit switches are also available. Proximity limit switches also available, but in generally those are not in practice. However, if there is any additional requirement is there, we can work on that, and based on that we can revert on that. Okay.
ओके विजेंद्र जी, इट वाज ग्रेट सेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्फॉर्मेटिव. हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू. हेलो सर, विजेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच सर, इट्स वेरी नाइस. Even Hello. Other companies was, also to participate like this. Session. Hello. Yes, sir. So, kal ka jo hamara session rakhne wala hai, basically wheel setting, wheel assembly, Hello. Lubrication, gearbox ke upar, bottom assembly ke upar rahega. Aur abhi hum wind up karte hain. Bahut sare questions hai aap logon ka, hum sabka jawab dena chahte hain aur denge bhi. To better hai ki hamare jo Telegram ki jo group hai, usme aap log join kar le. और उसमें जो भी क्वेश्चंस होती हैं उसको आप लोग वहां पुट करें और हम डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे. और कल फिर हम स्टार्ट करेंगे 4 बजे से ही, सेम लिंक से ही. और कोशिश कीजिए आप लोग सब जुड़े, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है कल भी, और उसमें यही प्रैक्टिकल चीजें ही विजेंद्र जी कराने वाले हैं. तो अभी के लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू हमारे हेलो सर जी. हेलो, बोलिए सर. सर जी, ये ओवरलोड कैसे चेक करते हैं जी, जैसे ये 5 टन की जगह 6 टन वजन उठा देते हैं जी. सर ओवरलोड, ओवरलोड अगर आपने चेक करना है तो वंस इन अ ईयर, मतलब साल में एक बार आप क्रेन को चेक कर सकते हैं. ओवरलोड के लिए आईएस में डिफाइंड है आपका 25% एक्सेस लोड के साथ आपको चेक करना है. और नहीं इसमें जी, वो नहीं जी. सर जी, ओवरलोड रिले लगी हुई है, उसको हम कैसे सेट करेंगे जी, ये पता करना है. विजेंद्र, ये ओवरलोड रिले की सेटिंग करना चाह रहे हैं, प्लीज बताइए. सर ओवरलोड रिले की सेटिंग के लिए ना, ओवरलोड रिले में हर एक में पॉइंट दिए होते हैं, 1 2 3 4 करके इस तरीके से पॉइंट होते हैं. आपको जब आप लोड कितने लोड पे कितना लोड उठा रहे हो, जैसे मान लीजिए 10 टन की क्रेन है, आप 10 टन ही सेट करना चाह रहे हो, तो वो ओवरलोड की जहाँ पे डॉट दिखाता है उस जगह पे आप सेट करोगे. जैसे फुट पे कर लिया एग्जांपल में, तो जैसे ही आप लोड उठा रहे हो तो वो वहां पे ट्रिप करेगा. बट फर्स्ट टाइम जब आप सेट करोगे तो उस टाइम पे आपका लोड आपको खुद को पता होना चाहिए ये कितना लोड है. अच्छा जी, लोड से चेक होने के बाद पता लगेगा जी. जी जी जी, ऐसे अंदाज से नहीं पता चलता. अगर आप ड्राइव भी लगी हुई है ना, तो ड्राइव के अंदर भी अगर आपको ओवरलोड ट्रिपिंग करना है तो वहां भी लोड की पहले रिक्वायरमेंट रहेगी. पुराने वाली क्रेन है जी, जिसमें 3 फेस वैसे डिप्पी घुमा के तीनों फेस की अलग अलग सेट करते हैं जी, वो वाली ओवरलोड रिले लगी हुई है जी. जी सर सेम ही है, वैसे लगभग लगभग सेम ही है पुरानी जो है जी. अब जो नई लगाई है जी, फंक्शन सभी का सेम है, फिर वाली लगाई है जी. आप नई एम्पेयर वाली लगाई है, जिसमें ओवरलोड रिले नए वाली लगाई है, एक में दो जी चेंज करवा के. अगर इससे रिलेटेड कुछ और किसी की जानकारी है तो मेरे से, मेरा नंबर नोट करें, 9999. जी अपना नंबर यहाँ पे चैट बॉक्स में दे देते हैं, और इससे रिलेटेड आप लोगों को ब्रेक रिलेटेड या और कोई भी सर्विस इशू आती है तो आप डायरेक्ट इनसे बात कीजिए, ये जरूर कोशिश करेंगे आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. अभी चैट बॉक्स में विजेंद्र जी ने अपना नंबर दे दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें और इनको डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो एनी टाइम ये आपको जरूर हेल्प करेंगे और बताएंगे कि कैसे क्या होना है. धन्यवाद जी, थैंक यू सर. अभी हम क्लोज करते हैं आज के लिए, और कल फिर इसी टाइम पे 4 बजे से फिर हम अपनी सेशन शुरू करेंगे. लास्ट सेशन, ठीक है सर. थैंक यू वेरी मच सभी को. थैंक यू जी, धन्यवाद जी.